एयरलाइन इंडस्ट्री एयरलाइन बिजनेस इज जस्ट लाइक डिलीवरिंग अ बेबी बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है डिलीवरिंग अ बेबी फंड टू कंसीव बट हेल टू डिलीवर यानी बड़ा मुश्किल है इस बिजनेस को ऐसा दिखने में लगता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस है इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री है सब कुछ है लेकिन वैन इट्स अबाउट डिलीवरी वैन इट्स अबाउट कस्टमर सर्विस सेटिस्फेक्शन एवरी थिंग जैसे मैंने कहा ना इट्स लाइक डिलीवरिंग अ बेबी तो बहुत ही चैलेंजिंग है अच्छा वट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज क्लास इज़ फॉर ए सी सी एस बी एल ये मेरे हाथ में मौजूद हैं देर आर ट्वेल्व पेजेस वैसे तो एलेवन है लेकिन यू काउंट दिस ट प्री सीन इज अवेलेबल नाउ फॉर ए सी सी एस बी एल सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री है जी ए सी सी एस एल सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री आपको पता है एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हो चुका है अच्छा मैंने आज से दो महीने पहले भी आई मेरा वीडियो इट्स रिगार्डिंग ए सी सी एस एल प्री सीन के प्री सीन है क्या लेकिन आज हमारे पास अब ये प्री सीन आ गया है यानी जिसको हम कहते हैं ना द पेपर इज़ आउट तो आज की क्लास उस पर लेकिन अगर कोई जानना चाहते हैं कि भाई ये जो चेंज आया है फ्राम सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री वो क्या है तो मैं लिंक डाल रहा हूँ कमेंट में लिंक है और उसको आप जाके देख सकते हैं आई मेड दिस वीडियो टू मंथ्स बैक लेकिन आज की वीडियो तो रियल सिचुएशन पर है सही है ना रियल सिचुएशन पर कि अब हमारे पास वो पेपर आउट हो चुका है ठीक है अच्छा जी <coughs> पहले भी ये बात हुई है कि ए सी सी एस बी एल जो है इट्स वेरी इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल लाइक अदर फोर्टीन थर्टीन पेपर्स ऑफ ए सी सी ए टोटल डिफरेंट प्रोजेक्ट और प्रोफेस्ट इट्स लाइक अ प्रोजेक्ट मैं तो उसको पेपर कहते हैं कि मैं कहता हूँ इट्स अ प्रोजेक्ट और एक वेरी वेरी प्रोफेशनल पेपर यानी देखें इस प्री सीन से अब इन्होंने इसको इतना प्रोफेशनल कर दिया इतना प्रैक्टिकल कर दिया कि जैसे होता है ना कि यू गोइंग टू सी अ कंसल्टेंट कि आप कंसल्टेंट पे जाके डायरेक्ट जाके बॉम नहीं फोड़ोगे अब आप कंसल्टेंट को फॉर एग्जांपल यू वांट टू सी अ कंसल्टेंट कोई भी किसी किस्म का कोई टैक की बात करें कोई ऑडिट की बात करें ड्यू इंटेलिजेंस की बात करें कुछ भी तो वो कंसल्टेंट वन यू राइट एन ई मेल और वन यू कॉल द कंसल्टेंट तो आपसे ये तो पूछता है ना कि भाई इन विच इंडस्ट्री आर यू इन इन विच बिजनेस आर यू इन वट इज़ द एज ऑफ योर बिजनेस कुछ थोड़ी बहुत बातें तो होती है ना बिफोर मीटिंग तो वो थोड़ी बहुत बातें बल्कि वो थोड़ी बहुत क्या वो बहुत ज्यादा बातें एग्जामिनर ने आपको दे दी आप समझ रहे हैं मेरी बात जैसे आप कंसल्टेंट को कॉल करके बहुत कुछ बता देते हैं ना पहले से तो ये वही है कि बहुत कुछ आपको अभी पहले बता दिया गया एंड देन इन एग्जामिनेशन इज़ जस्ट लाइक अ मीटिंग कि आप एज अ कंसल्टेंट अब जाके बैठोगे ठीक है ना आप रियल टाइम कंसल्टेंट बैठोगे और आपके सामने आपका क्लाइंट आएगा वो बोलेगा ये लो अब थोड़ी सी और बातें यानी थोड़ा सा और मैं आपको प्रॉब्लम अब बता दूँ यानी ऑब्वियसली वी डू नॉट हैव द रिक्वायरमेंट्स हमारे पास इसमें रिक्वायरमेंट्स मौजूद नहीं है लेकिन हमारे पास बहुत कुछ है और मैंने अभी आपसे कहा ना कि इट्स वन ऑफ बल्कि मैंने कहा मैं अभी आपको बताऊँ इट्स वन ऑफ माई फेवरेट इंडस्ट्रीज जब वैन इट्स अबाउट एयरलाइन क्यों है आई डोंट नो लेकिन मे बी आई एम अ ट्रैवलर बाय द वे गुड लेट इवनिंग फ्रॉम डेल्स टेक्स तो मे बी मेरी शायद ट्रैवलिंग वगैरह मैं एक ट्रैवलर हूँ आप लोग मुझे देखते रहते हैं तो so, एयरलाइन में बहुत ज़्यादा सफ़र होता है और स्पेशली बजट एयरलाइंस में जब से मैं यू में हूँ तब से बजट एयरलाइन में बहुत ज़्यादा सफर किए हैं लेकिन ज़ाहिर है Lekin, इंटरनेशनल एयरलाइन में भी सफ़र होते हैं तो हर किस्म की एयरलाइंस उस पर बात होगी अच्छा जी <coughs> आज के सेशन uh, का आज का जो ये सेशन है हमारा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है देखिए Uh, अगर ये पेपर आउट ना होता ये मैं इस पेपर को जो देख रहा हूँ ना इट्स एज इज़ लाइक कि अगर मैं बोलूँ ट्वेंटी 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 वन ट्वेंटी टू इससे पहले जैसे पेपर हुए लेकिन वो आपको एग्जामिनेशन रूम में यह पेपर मिलता था ये भी बिल्कुल उसी तरह है लेकिन ये आपके घर पर आ गया है तो अगर ये पेपर आपके पास ना होता कैन यू क्लियर द पेपर द आंसर इज़ ये बाकादा स्टूडेंट्स की पोजिशन वगैरह सब आती हैं अभी लेटेस्ट भी प्लेसमिनर्ज आए अच्छा ये पेपर आपके पास है एंड आई एम नॉट मेकिंग अ वीडियो फिर क्या होगा फिर क्लियर कर सकते हो फिर भी कोई मुश्किल नहीं है कई लोग हैं ना यार अब आपके हाथ में पेपर आ गया लेकिन अब तो और आसान इसलिए हो गया कि पेपर भी आउट हो गया एंड द टीचर इज़ विद यू सही है ना टीचर भी आपके सामने है और टीचर भी मैंने अभी आपसे कहा ना कि इस दफ़ा इतफाक़ की बात है कि मेरी फेवरेट इंडस्ट्री भी है और प्लस ये ज़ाहिर है मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है इस पेपर का बिजनेस मैनेजमेंट का एस नहीं था तो उससे पहले पी था पी नहीं था उससे पहले कोई और पेपर था तो अब कोई करीब अराउंड ट्वेंटी प्लस एक्सपीरियंस है मेरा ट्वेंटी इयर्स एक्सपीरियंस है इन पेपर्स के साथ तो ज़ाहिर है मैं भी अपनी कोशिश करूँगा अच्छा आज की क्लास में तो आ, देखते हैं आज की क्लास में ये ग्यारह बारह पेजेस हमसे हो जाएँ लेकिन फिर हम एक नेक्स्ट मीटिंग ये रखेंगे कि जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि व्हाट आर दी यू नो प्रोबेबल रिक्वायरमेंट्स के एग्जामिनेशन you know, में क्या रिक्वायरमेंट आएगी लेकिन एग्जामिनर वो कोई मेरा कोई बड़ी नहीं है कि मैं आपको एब्सलूट एश्योरेंस या गारंटी दे सकूं कि हाँ जी यही रिक्वायरमेंट आएगी लेकिन ज़ाहिर है मैं एग्जामिनर का वो ट्रेंड और टेस्ट देखते रहते हैं और इस पूरी इन्फॉर्मेशन को मैंने देखा है सारी चीज़ें पढ़ी हैं तो मैं अपना एक्सपर्ट ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा कि हाँ भाई ये पॉसिबिलिटी है हो सकता है रिस्क मैनेजमेंट पर आए तो किस तरह का सवाल बनेगा मे बी टॉक दे टॉक अबाउट शॉर्ट एनालिसिस तो फिर क्या होगा लेकिन आज की मीटिंग में हम ये बात नहीं करेंगे आज की मीटिंग में तो हमने डिस्कशन जो करना है वो किस पर करना है इन इलेवन इसको पहले समझना है पहले तो इसको समझना है और देखिए इसको समझना इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि एग्जामिनेशन में ऑब्वियसली इट विल बी अवेलेबल

Uh, मैं ये चाहूँगा बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन ये मीटिंग हम स्टार्ट करें uh, मेरे पास एक ऑप्शन ये था कि इट कुड बी डन ऑन यू नो गो टू वेबिनार या जूम मीटिंग लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि उसमें वो क्लास वाली फील नहीं आएगी उसमें ज़ाहिर पेपर तो मैं शेयर कर देता आपके साथ लेकिन वो फील नहीं आती वो पूरी बॉडी लैंग्वेज और ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आती आप मुझे इस तरह देखते नहीं तो मैं ये चाहता हूँ कि बिफोर वी स्टार्ट दिस थिंग आपके पास ये होना चाहिए यानी यू हैव दिस थिंग वेदर यू हैव अ फिजिकल कॉपी या इलेक्ट्रॉनिक कॉपी किसी लैपटॉप वगैरह पर खोल के बैठे मैं आपको जैसे बोलूँगा ना पेज वन पेज टू एंड विल मूव लाइक दिस सही ना तो आपके पास ये पेपर होना चाहिए ठीक है दैट्स फर्स्ट थिंग और किसी भी टाइम अगर आप चाहें तो आप पॉज करके यू कैन हैव अ कॉफी या पी ब्रेक या वट यू वांट यू कैन डू इट इवन इफ़ आई वॉन्टेड तो मैं भी हो सकता है कोई छोटा मोटा ब्रेक ले लूँ चले जी गुफ्तु आगे बढ़ाएंगे सबसे पहले वी हैव दिस पेज नंबर वन पेज नंबर वन इज़ नथिंग जस्ट द कंटेंट्स ये जो सारे कंटेंट्स ये हुए हैं कि वट इज़ नंबर वन नंबर टू उसमें क्या है नंबर थ्री क्या है नंबर फोर क्या है अच्छा देखें इन्होंने अब नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर टू जो नीचे लिखा है ना पेज नंबर टू इससे हम बात करेंगे दर एन दर इज अ पिक्चर ऑफ दिस एयरक्राफ्ट ओके अच्छा जी देखिए इन्होंने इस पूरी केस स्टडी में किया क्या है कि इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया है एक मेजर पीस जो है इट्स अबाउट द इंडस्ट्री और एक पीस जो है वो इन्होंने बात की है अबाउट द बिजनेस अबाउट द पर्टिकुलर कंपनी जिसके मुतल ये केस है यानी देखें आई रिपीट एक बात हो रही है पूरी इंडस्ट्री की इंडस्ट्री से मुराद द ओवरऑल एयरलाइन इंडस्ट्री उसको समझाए और दूसरा यानी फिफ्टी परसेंट एयरलाइन इंडस्ट्री को समझाए और फिफ्टी परसेंट उस पर्टिकुलर एयरलाइन को उस कंपनी को समझाए मिसाल के तौर पर एयरलाइन इंडस्ट्री और बिजनेस से मुराद एमरेट्स एयरलाइन कतर एयरवेज़ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस सही है ना उसके बारे में बात की तो इनिशियल पहला इंट्रोडक्शन तो है वो तो थो थोड़ा बिजनेस के बारे में बताया अबाउट दैट कंपनी जस्ट फर्स्ट पैराग्राफ बोल के नहीं फर्स्ट नहीं वन टू थ्री स्मॉल शॉर्ट पैराग्राफ्स उसके बाद जो नंबर टू है वहाँ से गेम स्टार्ट उसने की है एयरलाइन इंडस्ट्री पे इंडस्ट्री आपको समझाइए और उसके बाद फिर वापस बिजनेस पे आएंगे जो कंपनी पे ओके लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट थिंग नंबर वन इंट्रोडक्शन अच्छा ज़ाहिर इन्होंने एक फर्जी केस बनाया है लेकिन मैं इसको फर्जी केस मानता नहीं हूँ क्योंकि ज़ाहिर इन्होंने नाम वगैरह थोड़े बहुत चेंज कर दिए हैं मुझे ऐसा लगता है कि ये केस जो है वो आ, किसी यानी आप कॉन्टीनेंट यूरोप की बात कर लें और एयरलाइन आप ले लें मे बी रान एयर ले लें जो उनकी बजट एयरलाइन है या इजी जेट या विज एयर दर सो मेनी एयरलाइन है ना इस तरह या फिर आप कॉन्टीनेंट यू एस पे ले सकते लेकिन मुझे ज़रा यूरोप वाला केस लगता है तो खैर एनी वेज़ हमारी कंपनी का नाम है इन आर केस स्टडी हमारी कंपनी का नाम है कॉर जैट्स कॉर्जेट्स सही है ना वट इज द इंट्रोडक्शन कॉर्जेट्स इज अ लो कॉस्ट रीजनल एयरलाइन बिजनेस सबसे पहले तो दिमाग में एक इमेज बना लें कि आज बात किस पे होने जा रही है एक तो पहली बात हुई कि एयरलाइन पे होने जा रही है बट विच एयरलाइन किस सेगमेंट पे बात होने जा रही है उसने शुरू में ही लिख दिया लो कॉस्ट ना लो कॉस्ट लिख दिया लो कॉस्ट से मुराद क्या हो रही है लो कॉस्ट से मुराद हो रही है बजट एयरलाइन बजट एयरलाइन नो फ्रिल स्ट्रैटेजी सही है ना वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फाइव स्टार एयरलाइन टुडे हमारी जो गुफ्तगु हो रही है वो आज एक लो कॉस्ट एयरलाइन पर हो रही है और मैं इसीलिए आगे बहुत सारी बात करूंगा लेकिन पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ कि लो कॉस्ट एयरलाइन वट आर द फीचर्स ऑफ लो cost एयरलाइन ये आपके दिमाग में होना चाहिए लेकिन आप जब किसी क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं तो पहले ये तो सोच लें कि उसके बिज़नेस में है क्या मामला क्या चल रहे हैं उसके बिज़नेस में तो ये लो कॉस्ट एयरलाइन के फ़ीचर्स क्या होते हैं तो सीधी बात है इसके फीचर्स यही होते हैं नो फ्रिल स्ट्रैटी का तो एक ही काम होता है वो क्या कि दे जस्ट प्रोवाइड यू अ सफ़र उर्दू वाला सफ़र फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर डेस्टिनेशन दैट्स इट अब आप बोलो नहीं मेरी मनपसंद का खाना ऊपर मिलेगा नो दैट्स नॉट द सिंगापुर एयरलाइन फर्स्ट क्लास नहीं चल रही है या ये एमरेट्स का ए थ्री एटी की फर्स्ट क्लास एयरलाइन नहीं है ये बात हो रही है लो कॉस्ट यानी इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि आपको सिर्फ बेसिक प्रोडक्ट प्रोवाइड करना बेसिक नीड आपकी प्रोवाइड करना वो क्या है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको पहुँचा देना देट ठीक है ना अब आप बोले मुझे वाईफाई चाहिए मुझे ये नहीं ये कहलाती है बजट एयरलाइन नो फ्रिल स्ट्रेटी भी इसको कह लें या लो कॉस्ट एयरलाइन कह लें और इनके फीचर्स यही है कि ये मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि अपनी कॉस्ट को कम करें मैक्सिमम इनकी कोशिश होती है कि कॉस्ट कम हो और रेवेन्यू इनका किसी तरह बढ़े यानी कुछ भी करके आपके ऊपर पेनल्टीज लगाएंगे और आपके ऊपर कुछ ना कुछ करके आपको प्रोडक्ट बेचेंगे क्योंकि टिकट इन्होंने क्या रखा हुआ है हद से ज़्यादा सस्ता रखा हुआ है तो आप ज़रा फीचर्स इसके सोचें इसके फ़ीचर्स क्या होंगे क्या ये आपको फूड देंगे नो हाँ फूड बेचते ज़रूर हैं ये ऊपर ऊपर जब जहाज चल रहा होगा ना तो ये ऑप्शन आपको देंगे इफ़ यू वांट टू बाय ड्रिंक्स कोई चीज़ आपको फ्री नहीं देंगे खाना पानी कुछ फ्री नहीं मिलेगा सवाल ये कि क्या एयरलाइन की सीट्स कैसी होंगी मैं बाकायदा अगर आपको यूएस की मिसाल दूं तो सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा होता है जैसे बस की सीट होती है अगर मैं बात करता हूं यहाँ की बजट एयरलाइन स्पिरिट एयरवेज जो है सही है ना या अगर मैं फ्रंटटर की बात कर रहा हूं वो सीटें वो शुरू में ही आपको बता देते हैं यानी आपकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल पहले से क्लियर होती है कि वो सीट इंक्लाइन नहीं होगी ऐसे इंक्लाइन नहीं होगी वो सीट वो स्ट्रेट रहेगी बस की तरह ताकि भाई ज़्यादा पैसेंजर बैठ सके सही ना तो ये एक तो इनके ये फीचर्स होते हैं कि भाई बिल्कुल इस तरह के कोई खाना पीना ये चीज़ नहीं क्या वाईफाई होगा नो वाईफाई इज़ नॉट अवेलेबल हाँ अगर कभी होगा जहाज़ में तो ऑब्वियसली दे विल चार्ज फॉर इट देखिए हर चीज़ में किसी ना किसी तरह क्या आपको बैगेज अलाउ करेंगे नहीं बैगेज अलाउ नहीं करेंगे क्या हैंड कैरी अलाउ करेंगे हैंड कैरी भी अलाउ नहीं करेंगे एक छोटा मोटा बैग दे देंगे सही ना कुछ एयरलाइंस हैं वो कभी कभार छोटा हैंड कैरी अलाउ भी करती है वरना पर्सनल आइटम क्या आप हैंड कैरी ले जा सकते हैं यस yes, पैसे देने पड़ेंगे क्या बैगेज ले जा सकते हैं यस yes, पैसे देने पड़ेंगे अच्छा क्या बोर्डिंग पास वो आपको प्रिंट करके देंगे दे डू नॉट वो आपको बोलते हैं अपनी ऐप वगैरह उसी में लेके आओ या घर से प्रिंट करके आओगे नहीं प्रिंट करके आओगे दे विल चार्ज यानी उनकी कोशिश होती है किसी ना किस तरह मैक्सिमम पेनल्टी मैक्सिमम वर्क आपसे करवाना उनके पास एच कम होती है वंस अगेन द कॉस्ट इज लो सही है ना कॉस्ट कम करनी किस तरह एफिशेंसी पर काम करना होता है मैं अभी आपको बताता हूँ अभी एक हमारे फ्रेंड आए हुए थे इधर ये जरा सुने लो कॉस्ट एयरलाइन का मसला तो वो पाकिस्तान से है ही वॉज विजिटिंग यूनाइटेड स्टेट्स तो वो यहाँ से उनकी फ्लाइट थी बहुत सस्ती उन्होंने यहाँ से फ्लोरिडा जाना था तो बहुत सस्ती मिल गई थी डेलिस से फ्लाइट तो अच्छा वो बड़े खुशी खुशी चले गए उनसे गलती हो गई कि वो ये भूल गए कि छोटा हैंड कैरी भी ले जाना मना है और जब एक दफ़ा आप लेके पहुंच गए अब क्या होगा अब तो उन्होंने उससे हंड्रेड डॉलर चार्ज कर लिए वो बोले यार थर्टी डॉलर का तो मेरा टिकट था ये हंड्रेड डॉलर उसने मुझसे अब उस वक्त तो या इट्स योर और अब तो मजबूरी हो गई अब क्या करें तो सौ डॉलर वहाँ उनसे ये चार्ज हो गए सौ डॉलर थे पता नहीं क्या आप कुछ एक्सप्राइजाइड अमाउंट वो चार्ज हो गया कोई बैग वैग ले गए थे भूल गए दूसरा क्या वो उसने कहा मैं बोर्डिंग पास ले जाना भूल गया जो मुझे चेक इन करना था पहले तो वो जब चेक इन कर वो उसने बोर्डिंग पास की बात की तो बोर्डिंग पास के अलग पैसे इतने ठीक ठाक चार्ज कर लिए यानी उसका टिकट तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया बिकॉज वंस यू आर एट द एयरपोर्ट वो तो अब आपसे चार्ज करेंगे देखिए ये मकसद है यानी उनका मैक्सिमम पेनल्टीज लगाना मैक्सिमम आपसे काम लेना यहाँ तक कि वो एयरपोर्ट पर भी अपनी कॉस्ट को कम से कम रखते हैं अभी मैं लंडन से आयरलैंड वहाँ जा रहा था तो वो रैन एयर में मैंने सफर किया वेरी बजट दो तीन महीने पुरानी बात कर रहा हूँ मैंने पिक्चर भी उसके लिए उन्होंने बकाया हमें वे पे चलाया और बायदा वो सीढ़ी लगाई हुई थी और उसमें है वरना होता है ना डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं से। लेकिन किसी न किसी तरह दे हैव टू रिड्यूस द कॉस्ट कॉस्ट तो सबसे पहली चीज दिमाग में ये airline, ये हमारा, ये बिठा लें कि इट्स अ लो एयरलाइन हमारा हमारा बिजनेस है आज का सही है ना प्लस उसने क्या बोला रीजनल एयरलाइन बिजनेस अब देखिए रीजनल एयरलाइन क्या होती है देखिए तीन किस्म की है एक तो राउट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं नेशनल एयरलाइन लोकल नेशनल एयरलाइन फॉर एग्जाम्पल आ, अगर पाकिस्तान की बात करें तो जैसे एयर ब्लू वगैरह होती हैं कि वो क्या करती हैं कराची लाहौर लाहौर इस्लामाबाद इसी तरह चलेंगी वो इससे आगे नहीं जाएंगी कभी कभार ऐसा भी होता है कि नियरेस्ट कंट्री में चले जाती है फॉर एग्जांपल दुबई तक या सऊदी अरब तक ऐसी एयरलाइंस होती हैं यूएस में भी होती हैं जो नेशनल लेवल पे चलती हैं सही है ना लोकल फिर एक एयरलाइन का राउट होता है वो होता है इंटरनेशनल सही ना फॉर एग्जांपल कराची टू लंदन कराची टू कनाडा और इस तरह जैसे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ठीक है ना इस तरह ये इंटरनेशनल एयरलाइन है जैसे एमेरेट्स है सही है ना एमरेट्स चारों तरफ जारी होती है अफ्रीका भी जाएगी ऑस्ट्रेलिया भी जाएगी एवरीवेयर फिर एक एयरलाइन है जो इसने लिखा ना रीजनल ये जो रीजनल एयरलाइन होती है क्या होती है ये असल में खत्ते के लिए बनी होती है फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स फॉर एग्जाम्पल जैसे यूरोप यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप के अंदर कुछ ममालिक आ जाते हैं ये उस उस बांट के लिए बनी है इसी तरह अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस एक कॉन्टिनेंट हो गया ना तो उस यूएस के लिए बनी यानी फॉर एग्जाम्पल साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के लिए बन गई कि यूएस और कैनेडा में चलेगी या सिर्फ यूनाइटेड स्टेट में चलेगी तो ये क्या हो गई या कोई ऐसी एशियन एयरलाइन हो गई तो ये क्या है? इसको कहते हैं रीजनल एयरलाइन तो पहले ही बात में क्या हो गया कि दिस कॉर्जेट्स इज अ लो कॉस्ट इट्स अ रीजनल एयरलाइन रीजनल एयरलाइन बिजनेस है तो दो वर्ल्ड में ही बहुत कुछ क्लियर हो गई पिक्चर देन इट वॉल स्टैब्लिश ट्वेंटी ईयर्स अगो इन कॉलैंड इन्होंने उस कंट्री का नाम बता दिया अ कंट्री लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ हुंड्रिया तो इसका मतलब आप उसको समझें यूरोप है और यूरोप का एक मुल्क है फ्रांस या इटली को इस तरह मिसाल ले लें ओवर द ईयर्स इट हैज

इट्स हेड ऑफिस इज बेस्ड इन नियर सिटी एयरपोर्ट ओके वट एवर लोकेटेड इन द साउथ ऑफ कॉलैंड हंड्रिया इज़ अ पोलिटिकली स्टेबल एंड इकोनॉमिकली डेवलप्ड कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन हंडिया फ्राम फॉर्म अ ट्रेडिंग ब्लॉक विच फैसिलिटेट्स फ्री ट्रेड फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल विद इन इट फॉर एग्जाम्पल लोगों को एक दूसरे के लिए वीजा नहीं लेना होता जैसे मैंने यूरोप की मिसाल दी कि अगर आपको फ्रांस से इटली जाना है ऑल दो आर टू डिफरेंट कंट्रीज बट जस्ट एज इफ यू ट्रैवलिंग इन यू नो बिटवीन सिटीज इटली से आपको जर्मनी जाना है

आपने देखा है कि अभी हम देखते हैं यार कराची से मुझे लंदन जाना है एंड आई एल बी टेकिंग एमरेट्स एयरलाइन क्या होता है वो आपको कराची से दुबई लेके जाती है फिर दुबई से लंदन लेके जाती है इसी तरह बोलते हो मुझे एमरेट्स से टोरंटो जाना है कराची से तो कराची से वो फिर आपको दुबई लेके आएगी एंड दुबई से दे टेक यू टू कैन टोरंटो मैं कहता हूँ मुझे डेल्स आना है एमरेट्स से तो क्या होगा कराची से दुबई एंड देन दुबई इसको पॉइंट टू पॉइंट सर्विस नहीं कहते है. ये क्या होता है कि ये वो एयरलाइंस होती हैं जो अपना एक हब बनाती हैं जैसे एमरेट्स दुबई के लिए ना दुबई जो है वो एमरेट्स का हब है कतर के लिए जैसे दोहा हो गया सही है ना अबू धाबी हो गया इतिहाद वगैरह उनके लिए ये क्या करती हैं अपना हब बनाती है और वहाँ पर पैसेंजर जमा करती हैं अच्छा इनके पास बहुत सारे पैसेंजर जमा होते हैं नॉट ओनली पीपल कमिंग फ्रॉम कराची लोग मुंबई से भी तो आ रहे हैं तो मुंबई से भी एक फ़्लाइट आ रही होगी दुबई के लिए ऐसे बहुत सारी फ़्लाइट्स आएंगी वो सब जमा होंगे एंड देन बिग प्लेन लेट्स एयरबस ए थ्री लेके उड़ेगा टू डेलस ये होता है दिस इज़ नॉट पॉइंट टू पॉइंट ये क्या है कि एक हब बना दिया और उसमें सबको लेके जा रहे हैं अच्छा पॉइंट टू पॉइंट ये होता है कि जिसमें डायरेक्ट फ्लाइट डायरेक्ट फ्लाइट डेस्टिनेशन ए टू डेस्टिनेशन बी डायरेक्ट मुझे सही ना पॉइंट ए टू पॉइंट बी फॉर एग्जाम्पल मुझे कराची टू लंडन जाना है तो मुझे डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगी कराची टू लंडन दैट्सट इसको कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट बात समझ गए एक चीज़ होती है पॉइंट टू पॉइंट और एक होता है जिसमें दे क्रिएट अ हब एक हब बना देते हैं वहां पर ये आते हैं और वहाँ से अच्छा दोनों के अपने अपने फायदे अपने अपने नुकसान आते हैं पॉइंट टू पॉइंट आजकल कुछ ज्यादा चल रही है फॉर एक्जाम्पल अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें जैसे मैंने कहा ना रीजनल बिजनेस की बात करें अगर मैं यू एस की बात करूँ तो मैं चाहूँगा अगर मुझे अभी जैसे फ्लोरिडा जाना है। तो यार मुझे कोई ऐसी फ्लाइट ले जाए, से पे। सही ना, अब बीच में लैंड करना अच्छा जब आप लैंड करते हो तो एयरपोर्ट की कॉस्ट देनी पड़ती है तो टिकट ऊपर भी चले जाती है लेकिन उससे फायदा ये होता है कि जब वो हब बनाते हैं तो मैंने अभी कहा मुंबई से भी लोग आ गए इधर से भी आ गए चारों तरफ से लोग आ गए एंड देन टेक यू तो दोनों के अपने अपने लेकिन कस्टमर ज़्यादा क्या चाह रहा होता है कि मुझे डायरेक्ट फ्लाइट मिले वाया कोई कंट्री ना मिले अमूमन कस्टमर की ये प्रेफरेंस होती है लेकिन ज़ाहिर कस्टमर की वन ऑफ़ द प्रेफरेंस इज़ दी प्राइस एयरलाइन को भी ये फ़ायदा होता है पॉइंट टू पॉइंट में कि उसको किसी और एयरपोर्ट पर लैंड नहीं करना होता लेकिन वंस अगेन उसको अच्छा उसमें फिर उसको ये भी होता है हब वाली एयरलाइन में कि जैसे आपको पता है ना कराची से दुबई कराची से दुबई दिन में तीन फ्लाइट चलेंगी एमरेट्स की तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी देती है कन्वीनियंस भी देती है बात को ज़रा समझें सही है ना लेकिन अगर वो होगा कराची टू तो डेलस डायरेक्ट जाना हो तो फिर तो वो बोलेगा भाई एक साथ सब जमा हो जाए एंड देन विल गो लेकिन अभी आपको क्या देता है कि कराची टू तो दुबई वो तीन ऑप्शन दे देता है क्योंकि दुबई से दिन में एक ही दफ़ा फ्लाइट उड़ेगी जो सीधा डैलस लेके जाएगी बार बार यूएस के लिए फ्लाइट इतनी ज़्यादा नहीं उड़ सकती तो ये तो क्या कहा कॉलेट ऑपरेट अ पॉइंट टू पॉइंट सर्विस तो इसका मतलब ये कौन सा बिजनेस है ये पॉइंट टू पॉइंट वाला है डायरेक्ट पहुंचाने वाला Okay, meaning that it operates its flights directly between destination. This means that its passengers do not have to travel or change flights at a hub airport to reach their destination, which helps Korja to reduce its operating cost, we just discussed. It also keeps costs low through its no-frill operation, we just discussed. Abhi no ki This karunga. This approach means that in-flight meals are not provided, we already discussed, unless paid for separately, and uh, provides the automation. ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ इट्स प्रोसेस बहुत सारी चीजें ऑटोमेट है ना आपको बोला ना चेक इन करना है बोर्डिंग पास ये वो एवरीथिंग इंक्लूडिंग बुकिंग फ्लाइट डॉक्यूमेंटेशन बैगेज ड्रॉप ये फ्लाइट चेक इन ये सारा काम ऑटोमेटेड होगा बिकॉज दे हैव टू रिड्यूस देर प्राइस यहां तक कि आप अपने बैग भी लेके जाते हो ना तो वो ऑटोमेटिकली वहीं से चेक होते हैं वो उस पर लोग नहीं खड़े होते कि ऑटो चेक इन सारा काम करना होगा सारे काम खुद करने पड़ेंगे दैट्स एट ओके एडिशनली इट ऑपरेट्स अ प्रॉफिटेबल एंड पॉपुलर पोर्टफोलियो ऑफ राउट्स बिटवीन ओवर 130 थर्टी एयरपोर्ट्स अगर ओकेट से ओके अच्छा मैं यहाँ पर एक और थोड़ी सी बात आपके साथ डिस्कस करूँ मैंने इधर लिखी आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ अच्छा बजट एयरलाइन में जब आप सफर करते हो ना ऑल दो ज़्यादा लॉस अपनी जगह कंट्रीज़ के कंट्री टू तो कंट्री वेरी भी करता है सारी चीज़ें लेकिन बजट एयरलाइन में एक जगह मैं एक आर्टिकल पढ़ा था उसमें कहते हैं कि इसमें रिस्क भी होता है कंपेयर टू फाइव स्टार एयरलाइंस इसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है क्यों रिस्क ज़्यादा होता है इसमें पायलट थोड़ा सा रिस्क लेता भी है क्या वजह होती है भाई सीधी बात है अभी मैंने आपको बोला कि इसको अपने पैसे तो कम करने हैं अब फॉर एग्जांपल एक जहाज उड़ा पॉइंट ए से पॉइंट बी के लिए तो जब पॉइंट बी वो पहुंच रहा है तो पता चला थोड़े से बादल आ गए हैं द वेदर इज नॉट गुड ये वो अच्छा इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर ये होता है कि भाई तुम्हें तो कुछ भी करके लैंड करना है ऑल मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि लॉ अपनी जगह है ऐसा नहीं है कि वो जाके उसने मरना है लेकिन अगर रिस्क एपिटाइट की बात होगी कंपेयर टू द फाइव स्टार एयरलाइन क्योंकि उसके बाद रूम बहुत ज़्यादा होता है उसने बहुत पैसा कमा लिया होता है और उसके बाद उस फ्लाइट में रूम बहुत होता है प्रॉफिटेबिलिटी का तो वो तो बोलता है कि भाई इधर नहीं तो उधर उतार लेना इधर थोड़ा हंगामा है तो या इस वक्त कोई इशू है तो लेकिन ये पायलट जो होता है ना ये थोड़ा सा प्रेशर ले, ले लेता है मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ऐसा सुसाइड करने जा रहा है लेकिन थोड़ा सा प्रेशर ये लेके कर लेता तो कुछ लोगों का इसमें ये भी कहना होता है कि यार हम लोग बजट एयरलाइन में सफ़र इस वजह से भी नहीं करते कि इसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है एक तो कम्फर्ट और फ्लाइट और ये वो और वाईफाई ये तो एक सेपरेट टॉपिक है लेकिन एक जगह में पढ़ रहा था तो उसमें उन्होंने रिस्क वाला फैक्टर भी लिखा था कि बोला इसके अंदर एक थोड़ा रिस्क होता है क्योंकि उन्होंने कुछ भी करके लैंड करना होता है खैर एनीवेज़, नाउ पॉइंट नंबर टू अब जो बात शुरू कर रहा है ना अब ये दो चार पांच पेजेस पे बात करेगा एयरलाइन इंडस्ट्री पे इट्स नॉट अबाउट द कंपनी इट्स अबाउट द इट्स अबाउट द इंडस्ट्री ओके द एयरलाइन इंडस्ट्री इनकंपसेस अ वाइड रेंज ऑफ बिजनेसेस कॉल्ड एयरलाइन विच ऑफर एन एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस टू कस्टमर ये बेसिक इसने दो तीन पैराग्राफ में बताया कि भाई एयरलाइन जो है वो सिर्फ यही नहीं है कि जो यहां से वहां तक लेजर और क... लोगों को यहाँ से बिजनेस और जो ट्रैवलिंग और फन करने जा रहे हैं एयरलाइन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है यानी एक बड़ा अम्ब्रेला ही है इसके अंदर ज़ाहिर है एविएशन इंडस्ट्री आ जाती है आपकी जेट इंजन आ जाते हैं ये एयर और ये आपके जो बड़े बड़े जहाज़ बन रहे हैं बोइंग हो गया इसी तरह मिलिट्री गवर्नमेंट इनके काम के है ना ये सारी बेसिस वगैरह जो बनी होती है तो एयरलाइन बोला कमर्शियल भी है ये कार्गो के लिए भी काम करती थी कि ना कितनी सारी चीज़ें इसने कहा कि कैरी बहुत ह्यूमन पैसेंजर्स कार्गो फ्लाइट्स और दोस्त पैसेंजर वन डेस्टिनेशन और प्री बुक टिकट्स नॉन कमर्शल फ्लाइट्स है जिसके लिए उन्होंने लिखा मिलिट्री ऑपरेटेड प्राइवेटली अच्छा इसी तरह एयरलाइन इंडस्ट्री अभी मैंने आपको बताया कि इट हैज़ यू नो एयरक्राफ्ट मैनुफैक्चरर्स एरोस्पेस कंपनीज इंजन सप्लायर्स एंड ऑल दैट इसी तरह ये बात कर रहे हैं कि एयरलाइन इंडस्ट्री डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट्स ग्लोबल ट्रेड टूरिज्म एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एयरलाइन इंडस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है कि विदाउट दिस दर इज नो पॉइंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाए अगर ये एयरलाइन इंडस्ट्री यानी ये अभी शुरू में बता रहे हैं कि ये इंडस्ट्री यानी ये, ये आपको बिल्कुल ही मासूम समझ रहे हैं एज यू नो नथिंग ठीक है ना खैर ना पैसेंजर टाइप्स पर अब बात हो रही है कि पैसेंजर किस किस्म के होते हैं एक पैसेंजर तो वो होता है चलें यार फ्रांस घूमने चलते हैं सही है ना गर्मियों की छुट्टियां आओ भाई लाहौर घूमने चलते हैं ये कौन है अ लेजर पैसेंजर इज समवन ट्रेवलिंग ऑन हॉलीडे टू स्टे इन होटल और हॉलीडे रिजॉर्ट सही है ना दूसरा पैसेंजर किस किस्म का होता है वो होता है बिजनेस पैसेंजर बिजनेस पैसेंजर कौन होता है भाई जिसकी बिजनेस मीटिंग होती है एक तो होता है ना कि जो बच्चों के साथ घूमने फिरने चले गए या फ्रेंड फैमिलीज चले गए कि पैरिस देख के आएंगे और यह नहीं उन पर चले गए एक होते हैं जो बिजनेस पैसेंजर होते हैं बिजनेस पैसेंजर कौन है दे वर्क दे ट्रेवल फॉर वर्क ओके दे हैव बिजनेस मीटिंग्स कोई किसी किस्म का कोई कोलेब्रेशन करने जा रहे हैं कोई बोर्ड मीटिंग है वो होते हैं बिजनेस पैसेंजर ठीक है ना बिजनेस मीटिंग कॉन्फ्रेंसिस बहुत टाइप्स ऑफ पैसेंजर में बी ऑफर्ड द ऑप्शन टू ट्रेवल फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास और इकानमिक क्लास अब मैं आपको इन तीनों का मतलब भी समझा देता हूँ भाई देखें फर्स्ट क्लास होती है सबसे टॉप क्लास सही है ना आप कभी एमेरेट्स की वेबसाइट पर जाओ और वहाँ जाकर ऐसे ही बुकिंग मत कराना लेकिन जाके सिर्फ सर्च करना कि यार एयरबस ए थ्री एटी की फर्स्ट क्लास होती है वो फिर एक अलग ही माहौल होता है सही है ना वो व्यूं समझें कि आप किसी लग्जरी में चले गए कि वो ऊपर आपको शावर भी देगा बड़े ज़बरदस्त उसके लाउंज भी होंगे बार भी होंगे जितना खाना बोलो हर किस्म का खाना या नहीं एक अलग ही दुनिया होगी दैट्स कॉल्ड फर्स्ट क्लास और ऑब्वियसली उसकी प्राइस इकोनॉमी क्लास नॉर्मल क्लास के सामने कई गुना ज़्यादा होगी ठीक है ना अच्छा उसके बाद एक दूसरी क्लास होती है जिसको हम कहते हैं बिज़नेस क्लास वो भी एक एक्सपेंसिव क्लास होती है लेकिन वो फ़र्स्ट क्लास से थोड़ी नीचे होती है उसमें भी अच्छा आपको लेग रूम मिलता है अपना सेपरेट रूम मिल गया और सारी चीज़ें उसके अंदर भी बहुत कुछ होता है सही है ना फिर एक तीसरी क्लास होती है जो सबसे बड़ी क्लास होती है, वो होती है 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 वो क्लास क्लास सही ना में क्या होता है सर्विसेज अच्छी होती हैं वही फा, अगर फाइव स्टार एयरलाइन है तो वो आपको खाना पीना सब कुछ देगी सब कुछ होगा सोलह अठारह घंटे की लॉन्ग हॉल फ्लाइट अच्छा है जो मैं टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं आगे भी आएगी शॉर्ट हॉल एंड लॉन्ग हॉल छोटी फ्लाइट्स जो हैं इन ड्यूरेशन में उसको हम कहते हैं शॉर्ट हॉल जैसे मैं बोलूँ मैं डेलिस से न्यूयॉर्क जा रहा हूँ तो ये क्या होगी शॉर्ट हॉल फ्लाइट होगी दो ढाई घंटे की लेकिन जब डेलस से कतर एयरवेज़ का जहाज़ उड़ेगा सोलह घंटे अठारह घंटे की फ्लाइट या यहाँ से जाएगी ऑस्ट्रेलिया इक्कीस घंटे की फ्लाइट तो वो क्या होगी वो कहलाती है लॉन्ग हॉल फ्लाइट सही है ना तो जाहिर है लॉन्ग हॉल फ्लाइट चाहे वो इकोनॉमी की भी हो तो उसमें आपको वो कम्फर्ट तो देते हैं ना कि बंदा सोएगा यार इक्कीस घंटे ऐसे तो नहीं बैठा रहेगा ना बगैर खाए पिए तो नहीं बैठा रहेगा ना तो वो फ्लाइटें ऐसे नहीं चल सकती कि ऐसी बजट हो वो तो शॉर्ट हॉल फ्लाइट

वो तो कितना भी महंगा टिकट हो कभी 20 लाख रुपए का टिकट 25 लाख रुपए का टिकट सर अगर मैं रुपीज़ में बात करूँ तो यानी फॉर एग्ज़ाम्पल टेन थाउजेंड डॉलर्स ट्वेंटी फिफ्टीन थाउजेंड डॉलर उसका तो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता तो बहुत ही बड़ी क्लास है वो दे देगी सही है ना बिजनेस क्लास है अमूमन उसको भी फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज नॉर्मली द कंपनीज़ आर पेइंग ऑफ ऑल देयर होटल्स एंड टिकट्स एंड एवरीथिंग तो वो भी अमूमन और आपको पता है ना बिजनेस क्लास क्या करते हैं कि उनकी अमूमन मीटिंग्स हो रही होती है नेक्स्ट डे अर्जेंट मीटिंग आती है सर कल मीटिंग आज रात को आपको ट्रैवल करना है अरे क्या करें इमीजिएटली यू हैव टू बा टिकट और द कंपनी हैज़ टू बाय टिकट वॉट एवर द प्राइसिस तो उसमें ये प्राइसिंग को ज़्यादा रखते हैं इनको पता है बिजनेस क्लास तो लेंगे ही लेंगे लेकिन इकोनॉमी क्लास में जाने वाले अमूमन जो लेजर ट्रैवलर्स हैं फॉर एग्जाम्पल आपने छः महीने बाद ट्रैवल करना है तो आप अभी से बात शुरू करोगे ना कि हाँ भाई घर वालों से बात करोगे कि भाई यहाँ भाई बच्चों क्या प्लान है इस समर हॉलीडेज में कहीं चलना है क्या करना है दिसंबर में कहाँ जाना है फलाना ढिमक ये क्या हो रहा है इसका मतलब आपके पास देर आर सो मेनी ऑप्शन आई कैन गो इन एमिरेट्स आई हैव द ऑप्शन ऑफ कतर एयरवेज इतिहाद एयरवेज सिंगापुर एयरलाइन वंस अगेन द कॉम्पिटिशन स्टार्ट टकराव शुरू हो गया सारी चीज़ें तो दे विल प्ले ऑन प्राइसिंग विथ यू सही है ना कि हाँ भाई अगर आप छः महीने पहले बुक कर लोगे विल गिव यू दिस डिस्काउंट अर्ली बर्ड डिस्काउंट हम आपको देंगे फलाना डिस्काउंट देंगे लेकिन बिजनेस क्लास में ऐसे नहीं खेलते ये हो सकता है वो एग्जामिनेशन में पूछ आपसे रिक्वायरमेंट बना ले वैसी रिक्वायरमेंट मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं इसमें इसने बात की नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि प्राइसिंग स्ट्रेटजी पे गेम होती है इन क्लासेस के लिए क्योंकि तीन सेगमेंट बड़े खतरनाक हैं फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास एंड इकोनॉमी क्लास ये इन्होंने समझाया कि फर्स्ट क्लास क्या होती है कॉम्बिनेशन uh, कैसा होता है बिजनेस क्लास पैसेंजर कौन होते हैं और इकोनॉमी क्लास क्या होती है खैर एनी देन एयरलाइन टाइप्स बाय सर्विस इंटरनेशनल एयरलाइन नेशनल एयरलाइन रीजनल एयरलाइन अभी मैंने ऊपर ही बात कर ली थी जब मैंने आपको रीजनल एयरलाइन का मतलब समझाया था इंटरनेशनल एयरलाइन फिर बता दूं जो कैसे डिफरेंट कंट्रीज़ में काम कर रही है ऑल ओवर द ग्लोब इसी तरह नेशनल एयरलाइन कैसी है जो लोकल एक मुल्क में कर रही है और करीब मुल्कों में भी चले जाती है जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ यू में ऐसी कई एयरलाइंस है जो नेशनल हैं लेकिन वो साथ साथ कैनेडा चले जाती क्योंकि साथ ही बॉर्डर लगा हुआ है या दे गो टू मेक्सिको क्योंकि नीचे साउथ अमेरिका है या कुछ ऐसी हैं जो बहुत थोड़ा हुआ तो एटलांटिक ओशन क्रॉस करके यूरोप तक भी चले जाती है जैसे अमेरिकन एयरलाइंस वगैरह होगी रीजनल एयरलाइन अभी मैंने आपको समझा दिए कि जो पूरे एक खत्े को कवर कर रही होती है फॉर एग्जाम्पल अ कॉन्टिनेंट देख क्या लिखें और हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिस टाइम इज रीजनल एयरलाइन बिकॉज आर कंपनी इन द केस स्टडी इज अ रीजनल एयरलाइन रीजनल एयरलाइन टेन टू फोकस ऑन ऑफरिंग सर्विसिज विद इन अ स्पेसिफिक रीजन फॉर एग्जाम्पल ए कॉन्टिनेंट इन सम केसेज टू प्रोवाइड पैसेंजर्स सर्विसज लोकेशन नॉट ऑफर्ड बाई इधर नेशनल और इंटरनेशनल एयरलाइन क्योंकि उसने कॉन्टिनेंट को ऐसे पकड़ा होता है यूरोप को फॉर एग्जाम्पल कि उसमें वो उन रिमोट जगहों पे भी जा रही होती है जहाँ पर एक नेशनल और इंटरनेशनल एयरलाइन नहीं जा रही होती अच्छा इसी तरह अब आते हैं इन्होंने बताया एयरलाइन टाइप्स ये अभी इंडस्ट्री जिक्र हो रही है अभी दे आर नॉट ऑन योर केस स्टडी कंपनी वो उस पर नहीं है एक और जेट्स पर यह अभी बात कर रहे हैं इंडस्ट्री आपको समझा रहे हैं ये समझ रहे हैं आप आज तक जहाज में बैठे ही नहीं है एयरलाइन टाइप्स बाय बिजनेस मॉडल अभी मैंने आपको बताया एक होता है फुल सर्विस कैरियर फुल सर्विस कैरियर क्या होता है जो पूरी एक स्टार एयरलाइन होगी सारी सर्विसेज देगी आपको जैसे एमिरेट्स एयरलाइन है ख़तर एयरवेज है सिंगापुर एयरलाइन है यानी जो कंगली एयरलाइन नहीं है बजट एयरलाइन नहीं है सही है ना फुल कैरी फुल सर्विस कैरियर ऑफर रेंज ऑफ प्री फ्लाइट ऑन बोर्ड सर्विस विद इन द प्राइस ऑफ द टिकट उस टिकट के अंदर खाना पीना आपको टॉवल देंगे चॉकलेट्स देंगे आइसक्रीम देंगे पूरे सोलह अट्ठारह घंटे आपकी खिदमत में लगे रहते हैं नो मैटर यू आर इन इकोनॉमी क्लास सब कुछ आपके साथ कर रहे होते सही है ना देखिए ना दे यूजली फ्लाई नेशनल इंटरनेशनल लॉन्ग हॉल अभी बता दिया एंड शॉर्ट हॉल फ्लाइट अच्छा दूसरी एयरलाइन कौन सी होती हैं भाई लो कॉस्ट कैरियर जो अभी हम बात करी हैं हमने अभी फीचर्स पे कि लो कॉस्ट कैरियर क्या करते हैं किसी ना किसी तरह उनको अपनी प्राइस को कम करना है यहाँ तक के खाना वह जैसे यहाँ यू में ऐसा बहुत होता है कि भाई खाना तो वो देते ही नहीं है तो हम लोग अमूमन अपना खाना साथ लेके चढ़ते हैं सही है ना मुझे जो भी लोकल ट्रैवलिंग करनी होती है ना तो आप एयरपोर्ट से लैट् मेकडॉनल्ड है एयरपोर्ट पर चेकफिल है कोई भी रेस्टोरेंट है या आप अपने घर से खाना ले आए और वो खाना ले कॉफ़ी ले के से या स्टार नहीं तो कोई भी दूसरी कॉफ़ी ले आप जहाज़ में चढ़ गए अच्छा कुछ एयरलाइंस यहाँ यू में तो ऐसा नहीं है लेकिन शायद मैंने सुना है कि पाकिस्तान में शायद एयरलाइन खाना लेके चढ़ने नहीं देती मे भी लोग पता नहीं क्या करते क्या आई डोंट नो व्हाट इज़ रीजन इज लेकिन यहाँ पर यूएस में बाकायदा फूड लेके चढ़ते हो और आप अपना जहाज़ में बैठ के अपना फूड खाते हो क्योंकि दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू फूड और या वो फूड दे रहे होते हैं तो वो पसंद नहीं होता या वो महंगा दे रहे होते हैं आयो ओके फिर ये आपको बहुत सारी चीज़ें हैं ना हर चीज़ बेच रहे होते हैं वाईफाई बेचते हैं बच्चे अगर बोलते हैं आईपैड चाहिए तो वो किराए पे दे देते हैं आपको कि हाँ भाई सही आप गेमिंग वगैरह कर लेना ये सब अच्छा इसी तरह देन वी हैव चार्टर एयरलाइंस चार्टर एयरलाइंस क्या होती हैं जैसे वो कंपनी का बोर्ड है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और कंपनी ने बाकायदा एक प्राइवेट एयरलाइन बुक की कि भाई हमारा जहाज़ जो है ना विल डिसाइड द राउट हम अपना टाइम अपना राउट सब डिसाइड करेंगे और आप हमें लेके जाओगे मे बी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसको कहते हैं चार्टर एयरलाइन यानी इट्स नॉट फॉर एवरी वन कि वो क्या है उसका एक अपना लिमिटेड राउट है और वो आप बकायदा है ना एक बुक कर लोगे जैसे कई लोग ऐसे होते हैं ना कि भाई उनकी शादी उन्होंने कोई डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है कुछ करनी है तो अपने सारे फैमिली मेम्बर्स के लिए दे बुक प्लेन पूरा प्लेन बुक होता है उसमें सबको लाएंगे और अपना टाइम वगैरह सब डिसाइड होगा एंड देन दे विल गो तो जय चार्टर एयरलाइन फोकस ऑन प्रोवाइडिंग पैसेंजर सर्विसेज टू टूरिस्ट टू अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन इन मोस्ट केसेस दे डू नॉट सेल एयरलाइन टिकट डायरेक्टली बट इंस्टेड स्टेड एंटर इंटू एन एग्रीमेंट विद टूर ऑपरेटर्स इन्होंने टूअर की मिसाल दे दी लेकिन वैसे ही बिजनेस मीटिंग्स और इन सबके लिए भी होता है हु देन टेक रिस्पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पैसेजर ओके वॉट देन कम्स कार्गो एयरलाइन जो सामान लेके जा रही होती है अमूमन ये जो एयरलाइंस होती हैं ना कमर्शियल एयरलाइन जो पैसेंजर को लेके जाती हैं उन्हीं की सब्सिडीज़ या उन्हीं के कुछ एयरक्राफ्ट ऐसे होते हैं जो बकायदा कार्गो एयरलाइंस जो हैं उसके तौर पे भी काम करते हैं तो दे मेन फोकस ऑफ कार्गो एयरलाइन इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्गो और फ्रेट आपको सामान जो भेजने होते हैं वो सारे आप किससे जैसे यूपीएस फेड वगैरह ये सारी चीज़ें और वैसे भी जा रहे होते हैं तो वो क्या है वो सारी कार्गो एयरलाइंस हैं तो देखिए इन्होंने किस तरीके से आपको एयरलाइन बाय सर्विस बताया एयरलाइन बाय बिजनेस मॉडल आई एम ऑन पेज नंबर थ्री बल्कि आई एम डन विद पेज नंबर थ्री सही है ना इस तरह इन्होंने आपको डिफरेंट एयरलाइन बाय पैसेंजर टाइप ये भी आपको पूरी इंडस्ट्री समझा रहे हैं इंडस्ट्री को समझना जरूरी है फुल स्टॉप अच्छा मैं ज़रा कॉफी पी लूँ ठीक है ना नाइट आई एम बैक पेज नंबर फोर हब एंड स्पोक पॉइंट पॉइंट टू वी मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं कुछ चीज़ें शुरू में डिस्कस कर रहा हूँ मैंने क्या कहा था हब हब क्या है कि जिसमें ये ट्रैवल करवाएंगे आपको एंड दे विल वाया वाया हब के उस हब पे रुकेंगे और वहाँ से फिर मूव करेंगे यानी यानी आपको कनेक्ट कनेक्टिंग फ्लाइट जिसको हम कहते हैं ना कभी टू स्टॉप फ्लाइट देते हैं कनेक्टिंग फ्लाइट होगी और पॉइंट टू पॉइंट क्या है डायरेक्ट तो एयरलाइंस विच ऑपरेट्स अ हब एंड स्पोक मॉडल फ्लाई फ्रॉम वन एयरपोर्ट इन टू हब एयरपोर्ट ये हमने बात कर ली और पॉइंट टू पॉइंट मॉडल से ही ना इन रिसेंट ईयर्स मोस्ट ऑफ द लो कॉस्ट एयरलाइन ऑपरेट दिस मॉडल ये जो पॉइंट टू पॉइंट वाली बात की अच्छा <coughs> उसके बाद इन्होंने ये इसको समझा भी दिया है ये आप देख रहे हैं ना कि आपको समझा दिया आई एम ऑन पेज नंबर फोर कि एयर ट्रांसपोर्ट स्टेटिस्टिक्स ये 2002 के स्टेटिस्टिक्स बताएं कि पीपल ट्रांसपोर्टेड ये पैस, ये उसकी बात हो रही है वी टॉकिंग अबाउट द होल इंडस्ट्री इंडस्ट्री की बात हो रही है नॉट योर बिजनेस बिजनेस के बारे में बात नहीं हो रही पीपल ट्रांसपोर्टेड पैसेंजर पर यन कितने ग्लोबली थ्री बिलियन और जो आपका जो कॉन्टिनेंट है इट्स नॉट योर कंपनी इट्स द होल कॉन्टिनेंट ये जनरल का ना हंड्रिया उसमें सिक्स मिलियन ओके अराउंड ट्वेंटी परसेंट सेवेंटी थ्री थाउजेंड ये क्या है एवरेज नंबर ऑफ कमर्शियल फ्लाइट्स पर डे और इसमें कितनी है ये ग्लोबल है और ये फिफ्टीन थाउजेंड है और फिर थ्री नाइन्टी बिलियन एंड सेवेंटी नाइन पॉइंट टू बिलियन ओके फ्लाइट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ स्टिल वी आर इन द से इन द इंडस्ट्री हम इंडस्ट्री को अभी तक पढ़ रहे हैं पेज नंबर फोर पे अच्छा फ्लाइट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ क्या है एक चीज़ होती है एटीसी बहुत ज़्यादा आप लोग ये सुनते रहते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल और एक है एयरक्राफ्ट ग्राउंड हैंडलिंग एयर ट्रैफिक कंट्रोल इसका क्या काम होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल का काम नाम से है ना एयर ट्रैफिक जैसे नहीं होता रोड पे ट्रैफिक वो जो पुलिस होती है जो ट्रैफिक कंट्रोल कर रही होती है कि ओके नॉर्थ वाले चले जाएं साउथ वाले चले जाएं लेफ्ट वाले रुक जाएं राइट वाले हैं इंटरसेक्शन पर जो पुलिस होती है जो ट्रैफिक सिग्नल पे एयर ट्रैफिक कंट्रोल का भी यही काम होता है कि भाई जो जहाज आ रहे हैं उस ट्रैफिक को मेनटेन करना आपस में ना टकरा जाए सही है ना एक लैंड हुआ है तो अब दूसरा कब लैंड करेगा एक टेक ऑफ किया है तो अब दूसरे किस तरह टेक ऑफ होंगे तो उनके बीच में और ये जगह 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 एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो जो आप एयरपोर्ट्स होते हैं वो उसको देख रहे होते हैं देखिए ना ए इज़ अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ एयर ट्रांसपोर्टेशन इट इस रीड आउट बाई ग्राउंड बेस्ड पर्सनल यानी लोग तो जमीन पर होते हैं लेकिन उनकी हुकूत ऊपर तो चल रही होती है बाई स्पेश मॉनिटरिंग एयर ट्रैफिक इन ए स्पेसिफिक लोकेशन एक पर्टिकुलर लोकेशन पर ए टी सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग एयरक्राफ्ट सेफली एन ऑल दैट थिंग सही है ना अच्छा अब इसमें भी आजकल बहुत सारे मसाइल आने लगे हैं सही है ना उस पर भी हम आगे बात करते हैं इन्होंने भी जिक्र किया अच्छा दूसरे होते हैं एयरक्राफ्ट ग्राउंड हैंडलिंग उनका काम क्या था ए टी सी का ये जो जहाज़ ट्रैवल कर रहे हैं ट्रैफिक को मैनेज करना ग्राउंड वालों का क्या काम है सारा काम है जैसे ही जहाज़ लैंड हुआ अब इसको पार्क के दर करवाना है किस गेट पे लगाना है कि गेट नंबर टू गेट नंबर थ्री टर्मिनल ई टर्मिनल डी वॉट अच्छा आपके साथ आपके बैगेज भी होता है वो बैगेज कैसे उतरेगा वो सारा हैंडलिंग करना सिक्योरिटी आप जब आ रहे होते हो वो जितना वो कस्टम सारा वो जो जितनी गुफ्तगु है वो सारा काम एयरक्राफ्ट ग्राउंड एक्टिविटी का देखो ना बैगेज मैनेजमेंट इंक्लूडिंग सॉर्टिंग पैसेंजर बैगेज इसका बैगेज दूसरे को ना दे दिया हाँ बैगेज को देखना अनलोडिंग लोडिंग कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट इंक्लूडिंग गेट असाइनमेंट प्री फ्लाइट फैसिलिटीज ऑपरेटिंग शॉप्स ऑल दैट सही ना ना ऑन पेज नंबर फाइव एयरक्राफ्ट बोर्डिंग मैनेजमेंट ये सारा काम करना बोर्डिंग वगैरह वो सारी चीज़ें एयरक्राफ्ट टोइंग रीफ्यूलिंग सर्विसेज जहाज़ लैंड हुआ है towing, services, उसमें रीफ्यूल यानी एवरीथिंग एयरपोर्ट सिक्योरिटी और ज़ाहिर इन सब चीज़ों के ये पैसे चार्ज करते हैं तो जब जहाज़ लैंड करता है फिर वो कितनी देर उधर रुकता है अल्टीमेटली येस टू पे और जब जहाज को पे करना है अल्टीमेटली यू हैव टू पे यू आर द कंज्यूमर वो सारी चीज़ें फ्लाइट में होती है बिकॉज दिस इज द कॉस्ट ऑफ एयरलाइन ये इंडस्ट्री को बताने का मकसद ही कि आपके दिमाग में घंटी बजे कि क्या क्या कॉस्ट लग रही है ए की है, की है, की कॉस्ट 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 है 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 लगेज सो तो जहाजों को करना होता है एफिशिएंट काम कि यू लैंड हुए जल्दी से काम किया बोम गो जितना रुकेंगे उतनी देर पैसे भी बढ़ते जाएंगे और अल्टीमेटली दे बी कॉम्पिटेटिव प्राइस कॉम्पिटेटिव नहीं होंगे ठीक है ना अच्छा जी इंडस्ट्री चैलेंजेस अब

कि जहाँ देखते हैं कि सबसे गूगल सबसे सस्ती प्राइस कौन सी बता रहा है वी डोंट केयर यार खाना दे ना दे सीट दो घंटे की तो फ्लाइट है तीन घंटे की फ़्लाइट है स्पेशली बनाए हम टॉक अबाउट येयर टैक्सेस हम लोग हैं बीच में यू के सेंटर में हम लोग डैलस में तो मुझे तो अगर वेस्ट कोस्ट जब पैसिफिक ओशन कैलिफोर्निया वेगस नवाडा सैन फ्रांसिस्को इस तरफ भी जाना है तो वो भी मेरे से दो ढाई तीन घंटे दूर होता है ऊपर जाना है मुझे वस्कॉन्सन और ये सारा एरिया वो भी दो ढाई तीन घंटे दूर होता है मुझे ईस्ट कोस्ट एटलांटिक जाना है जिसमें न्यूयॉर्क फ्लोरिडा ये सारा एरिया हो गया ये ये भी मुझसे दो ढाई तीन घंटे तो दो ढाई तीन घंटे में मेरे जैसे शख्स के लिए तो बहुत ईजी है कि मैं प्राइस को ही देखूंगा मैं किसी और चीज़ को नहीं देखूंगा दैट्स इट आई डोंट केयर यार वो वाईफाई है या नहीं है कोई चीज़ तो डिमांड तो ये क्या हुआ कि इसका मतलब लोग फुल सर्विस कैरियर से हट के ज़्यादा किस तरफ आ रहे हैं सेम केस विद यूरोप भाई ये देखे ना फ्रांस इटली अभी मैंने जो लंडन से डबलिन की फ़्लाइट ली फोर्टी मिनट्स की फ्लाइट थी ये जहाज उड़ा है इधर उधर हमने देखा और जहाज़ लैंड कर गया बस ख़त्म 45 फाइव मिनट में क्या होता है पंद्रह बीस मिनट तो ऊपर चढ़ने में लग जाते हैं ये ऊपर गया दो दस मिनट चला उसके बाद आ रहे उसने वो uh, डाउन होना है और क्या होना है सही है ना ये ऊपर क्या है? और ये नीचे अब ऐसे थोड़ी यूँ जाएगा तो उसको चढ़ने चढ़ने में भी टाइम लगता तो 45 मिनट की फ्लाइट थी और कुछ भी नहीं था अब उस 45 मिनट के अल्ले में बोलूँ नहीं मेरे जहाज़ में ऐसे हो वैसे हो वो कैस सही है ना अमूमन बिजनेस क्लास की सीटें और ये कंफर्टेबल सीटें भी तब ज़्यादा चलती हैं जब लॉन्ग हॉल फ्लाइट होती है यूज़ दैट टर्मिनोलॉजी लॉन्ग हॉल फ्लाइट उसमें बंदा बोलता है यार कम्फर्ट को देखो ये दो ढाई घंटे की फ्लाइट में कौन देखता है तो लोग देखें ज़्यादा किस तरफ जा रहे हैं अब ये देखो चैलेंजेस बता रहे हैं कि लोग ये यानी जो फाइव स्टार एयरलाइन है उनको

करना इसलिए ज़्यादा होता है कि वो सेफ है जहाज का सफ़र सेफ सफर होता है यूएस में कार एक्सीडेंट इतने ज्यादा होते हैं इस पर खैर एक बहुत लंबी बात हो जाएगी उसके स्टैटिस्टिक्स बहुत ही खतरनाक है तो लोग क्या करते हैं व्हेन दे आर विद देयर किड्स इवन व्हेन यू आर अलोन आप अपने बच्चों के साथ हो कुछ भी हो तो आप क्या कोशिश करते हो कि यार मैं ड्राइव ना करूँ क्योंकि गाड़ी का सफर खतरनाक होता है दे आर क्रेजी ड्राइवर्स ऑल ओवर और दायरे ह्यूमन इंसान चला रहा है जहाज़ तो ऑटो होता है तो जहाज़ सेफ है इस वजह से देखिए लिखा है ना कि ज्यादातर लोग अब क्या कर रहे हैं ज़्यादा से ज्यादा एयरलाइन एयरलाइंस बढ़ती जा रही है जहाज़ बढ़ते जा रहे हैं और उसमें

क्लाइमेट चेंज तो ये सारे एयरलाइंस को क्या है दीज आर द चैलेंजेस दीज हैव लेड टू बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज फॉर डिमांड टेरर एंड साइबर अटैक्स हैव इंपैक्टेड ऑन कस्टमर कॉन्फिडेंस इन दैट डायरेक्ट कस्टमर डरता भी मैं खुद अपने बारे में कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि मैं पाकिस्तान में लोकल एयरलाइन में ट्रेवल करना पसंद नहीं करता पता नहीं मैं घबराता हूँ मैं पहले भी कई जगहों में पढ़ा भी चुका हूँ ना एयरलाइन वगैरह इसमें पढ़ाया भी मैंने ए सी से ही पढ़ाया तो ज़ाहिर मैं कई किस्म की ऐसी करप्शन भी देख चुका हूँ फिर कई जानने वाले भी होते हैं देखते रहते हैं इन आउट सारी चीज़ें तो मेरा कॉन्फिडेंस जैसे इसने लिखा ना कि पीपल कॉन्फिडेंस कस्टमर कॉन्फिडेंस मेरा कॉन्फिडेंस डाउन है कि मैं लोकल एयरलाइन में वहाँ सफर नहीं करना पसंद करता ये मेरी अपनी प्रेफरेंस है लेकिन ज़ाहिर है दुनिया सफ़र कर ही रही है खैर एनी लेकिन लोग हैं इस तरह के मैंने अभी आपको बताया कुछ लोग बजट एयरलाइन में सफर नहीं करते कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोकल ट्रैवलिंग करनी होती है लेकिन इंटरनेशनल एयरलाइन देते हैं मिसाल के तौर पर इफ़ यू वॉन्ट टू गो कराची टू इस्लामाबाद तो लोग लेते हैं एमरेट्स एयरलाइन क्या पहले कराची से दुबई लेके जाएगी दुबई से इस्लामाबाद इस्लामाबाद में अपना काम किया फिर इस्लामाबाद से वापस दुबई लाएगी दुबई से कराची लेकिन बोलेंगे वी डोंट ट्रस्ट ऑन लोकल एयरलाइन हम लोग एमरेट्स में सफर करेंगे खैर दिस इज पीपल कॉन्फिडेंस तो ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं अच्छा देन फ्यूल इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉस्ट ऑफ द एयरलाइन ट्वेंटी परसेंट उसने लिखा ना कि भाई आप खुद आप लोग देखते हो कि क्रूड ऑयल क्योंकि अभी तक ये कोई बायो फ्यूल और एयरलाइन इंडस्ट्री उस पाई नहीं है यही बात इन्होंने समझाई है क्रूड ऑयल इसकी प्राइसेस अनसर्टन है कभी तो ये नेगेटिव चला गया कोविड के टाइम पे आपने देखा और कभी आप देखें तो ये यानी इतना वॉलेटाइल है ये यहाँ तक कि अब मैं ये बात इन्होंने इसमें नहीं लिखी लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि ये भी एयरलाइंस के लिए दे हैव टू टेक अ डिसीजन दे डू हेजिंग हैजिंग का मतलब आप लोगों को पता है लेकिन समटाइम दे हैव टू टेक दिस डिसीजन फॉर एक्जाम्पल फ्लाइट उड़ेगी कराची से दुबई तो फ्यूल कितना होना चाहिए क्या फ्यूल इतना लेके जाए कि वो कराची दुबई दुबई कराची का हो या कराची टू तो दुबई का फ्यूल ले जाए एंड दुबई में जब लैंड करेंगे एट टाइम ऑफ अनलोडिंग वगैरह फिर रिफ्यूल कर लेंगे एंड विल बाय फ्रॉम दुबई एंड दुबई से देन विल फ्लाई बैक टू कराची अगर एक फ्लाइट ऐसी है जो कराची से दुबई जाएगी और दुबई से कराची तो इसमें भी दो किस्म के फैसले होते हैं सारा फ्यूल लेके जाना है या कुछ फ्यूल लेके जाना है और उसकी जगह सामान भर लेते हैं फ्यूल कम रखते हैं अभी बैगेज ले लेंगे दैट इज एन एक्स्ट्रा रेवेन्यू फ्यूल जो है यहां पर सस्ता अगर मिल रहा है तो इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स को देखने के वेदर द बैगेज रेवेन्यू इज हायर और द फ्यूल प्राइस इज हायर कॉस्ट ज्यादा पड़ जाएगी या रेवेन्यू ये बहुत सारे फैसले दिस इज वन ऑफ द चैलेंजेस एयरलाइन इंडस्ट्री इज फेसिंग से है ना फ्यूल इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉस्ट तो ये बात लिखी अच्छा देन द एयरलाइन एक और चैलेंज द एयरलाइन इंडस्ट्री इज स्टिल सम वे अवे फ्रॉम ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट विद द विदरनेटिव फ्यूल ये वाली बात मैंने अभी आपको बता दी इफ द एयरलाइन इंडस्ट्री इज टू सरवाइव इन द लॉन्ग टर्म इट विल नीड टू इन्वेस्ट सिग्निफिकेंटली इन ऑल्टरनेटिव फ्यूल सोर्सेज यानी दे कैन बी डिपेंडेंट ऑन स थिंग क्योंकि उसमें प्राइस का भी मसला है और दूसरा अच्छा फिर एक बहुत बड़ा फैक्टर आ रहा है कस्टमर्स का कस्टमर्स आर ग्रीन कस्टमर्स इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कस्टमर वो बोलते हैं यार हम लोग उस एयरलाइन में सफर करेंगे हम एयरलाइन में तब सफर करेंगे वैन इट इज ग्रीन कि जब ये ग्रीन होगी ग्रीन सेट्स इन्वायरमेंटल फ्रेंडली और यहां पर तो आपको पता है सबसे बड़ा अहम पॉइंट सी ओ टू एमिशन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन लेकिन उसके बावजूद डिमांड इज हाई लोग कर रहे हैं लोग ये बोल भी रहे हैं कि यार सी ओ टू एमिशन हमारे एयर प्लान के लिए ठीक नहीं है ये एयरलाइन लेकिन उसके के बावजूद देर डूइंग इट अब मैं यहां आप, पर आपको एक और बात बता दूं आप जब एयरलाइन बुक आजकल आप टिकट बुक करते हो ना मैं तो आप जितनी भी टिकट बुक करता हूं ना तो उसके नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है कि वैन यू बुक दिस टिकट दिस इज दिस पर्सन एनवायरमेंटल फ्रेंडली दैट पर्सन एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैं एग्जैक्ट टर्म भूल रहा हूँ कि वो किस तरह उसको मेजर करते हैं लेकिन वो लिखा होता है कि इतनी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली क्या मतलब मतलब ये कि फॉर एग्जांपल एक ऐसी एयरलाइन है जिसके पास एयरक्राफ्ट ऐसा है जिसके अंदर मैक्सिमम पैसेंजर होता है लेट्स से 200 पैसेंजर 250 पैसेंजर तो वो ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हुई ना क्यों क्योंकि वो कम फ्यूल में मैक्सिमम लोगों को ट्रैवल करा रही है दुनिया में तो वो लिख देता है कि इफ़ यू बुक कतर एयरवेज या इफ़ यू बुक एमरेट्स वो लिखा हुआ रहा होता है जैसे आप टिकट बुक करते हो ना कि बिकॉज ऑफ दिस राउट यानी हमारा राउट ऐसा होगा हमारा राउट इस टाइम पर चलेगा कि उसमें मैक्सिमम पैसेंजर्स को एंड वी हैव दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट एंड दिस पर्टिकुलर स्लॉट और उसकी वजह से क्या होगा अल्टीमेटली यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू वर्ड्स द एन्मेंट तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कस्टमर्स जो है ना ग्रीन कस्टमर आपने शायद ऐसा कभी सोचा हो ना सोचा हो मैंने भी नहीं सोचा सीधी बात है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जब मैं बुक कर रहा होता हूँ ना तो लिखा हुआ ज़रूर आ रहा होता है कि यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द प्लानट एनी वेज तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर अ मेजर एंड इंक्रीज इंक्रीजिंगली सिग्निफिकेंट इशू फॉर द एयरलाइन इंडस्ट्री अफेक्टिंग बोथ पैसेंजर डिमांड एंड ऑपरेटिंग पैरामीटर्स कस्टमर्स आर मैंने अभी आपको बताया सारी चीज़ें कस्टमर्स की चल रही है डिस्पाइट इन्वायरमेंटल कंसर्न कमर्शल इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक इज़ स्टिल इंक्रीज बाय फाइव परसेंट यानी उसके बावजूद ज़ाहिर डिमांड तो अपनी जगह है अच्छा अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ अभी हमने बात की ना पीछे ए एयर ट्रैफिक कंट्रोल आपको पता है जो एयरलाइंस हैं उनको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज किससे मिलता है एक तो बात हुई प्राइस से मिलता है एक बात होती है टाइम से मिलता है आप लोग पाकिस्तान में अगर आप देखते हो तो क्या नज़र आ रहा होता है यार मुझे वाली फ्लाइट चाहिए लाहौर जाने के लिए जो सुबह अर्ली मॉर्निंग जा रही है सो दैट आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम इन लाहौर मैं चाहता हूँ कि मैं सुबह आठ बजे लाहौर पहुंच जाऊँ एंड आई कैन स्पेंड माई डे और मुझे शाम में कोई ऐसी फ्लाइट मिल जाए वंस आई एम डन विद माई मीटिंग मैं लाहौर से कराची की मुझे फ्लाइट मिल जाए इसका मतलब द स्लॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अब ए क्या करेगा हर एक को चाहिए हमारा जहाज़ अभी इसी वक्त उतरे सुबह सात बजे उतरे अभी सबको कैसे उतार दूँ इस एक पर्टिकुलर और ये तो हम बात कर रहे हैं अगर हम किसी छोटे मोटे एयरपोर्ट की बात करें छोटे मोटे टर्मिनल्स की बात करें तो फॉर देम इट्स नॉट पॉसिबल तो इसका मतलब ये हुआ कि द लॉर्ड ऑफ चैलेंजेस क्योंकि एक तरफ एयरलाइन बोलती है कि यार मुझे ये पर्टिकुलर स्लॉट स्लॉट चाहिए कि इस slot में आई कैन मेक मोर मनी एंड आई कैन बी मोर फ्रेंडली एज वेल बिकॉज इनवाज लॉट ऑफ पीपल कमिंग इन लेकिन वो बोलता है कि मैं तुम्हें इस वक्त कैसे उतारूं इस वक्त तो पीछे एक और जहाज आ रहा है और उसको मैंने स्लॉट दिया हुआ है तो स्लॉट के ऊपर लड़ाई होती है और उसके अलग पैसे हैं अच्छा फिर एक और सबसे बड़ा मसला किसी एयरपोर्ट पे फ्लाइट डिले हो गई अब पता चला वो डिले वाली फ्लाइट आ रही है अब भाई ये डिले वाली फ्लाइट आ रही है ये उसके पीछे फ्लाइट आ रही है अरे सारे स्लॉट मिक्सअ हो गए आर यू गेटिंग दिस इट्स अ बिग चैलेंज फॉर एटीसी एंड फॉर द ओवरऑल इंडस्ट्री तो ये देखिए इसने स्लॉट वाली बात भी इसमें की है कि द इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोल एनवायरमेंट इज स्ट्रगलिंग टू कोप विद इंक्रीजिंग फ्लाइट नंबर्स एविडेंट बाय द नंबर ऑफ डिलेड फ्लाइट्स ये हो रहे हैं ट्वेंटी परसेंट इन टू थाउजेंड टू सिमिलरली एयरपोर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड आर स्ट्रगलिंग टू कोप विद डिमांड फ्रॉम एयरलाइन फॉर फ्लाइट स्लॉट लोगों को पर्टिकुलर स्लॉट चाहिए फिर मैंने शायद एक वीडियो बनाई थी आप लोगों को पता होगा जेट लैग कि भाई ऐसे टाइम पे फ्लाई लैंड करवाना चाहते हैं ताकि लोग उतरें और आके सो जाएं या लोग उतरें और आके डायरेक्ट काम पे लग जाएं तो ये बहुत सारे इसके अंदर मामलात हैं <coughs> और राइट अच्छा फिर इसी तरह डिपेंड सिर्फ ये सारी बातें नहीं आपके कैरियर पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन से जहाज आपकी आपके बिजनेस में क्योंकि देर आर एयरक्राफ्ट विच आर मोर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कम्पेयर टू एक्स वाई जेड अदर सही ना इस तरह जो पुराने डिप्रीशिएटेड हैं वो ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होते जो नए जहाज़ बना रहे हैं वो ज़्यादा फ्यूल एफिशेंट भी हैं कॉस्ट भी कम इन्वायरमेंट भी अच्छा प्रॉफिट है कस्टमर हैप्पी यू हैप्पी सही है ना अच्छा फिर इस चैलेंजेस को निमटने के लिए आजकल और ज़्यादा वो क्या कर रहे हैं नए टर्मिनल्स बना रहे हैं आपने देखा हीथ्रो का अच्छा इस तरह हमारा जैसे अभी ये डेलस है डेलेस एयरपोर्ट पे अब पूरा एक टर्मिनल और बन रहा है क्योंकि इतना प्रेशर है वैसे तो इतना बड़ा एयरपोर्ट है यानी इतना एयरपोर्ट है कि ऐसा लगता है एक शहर में आप घूम रहे हो तो जो ठीक ठाक या नहीं लेकिन उसके बावजूद अब वो बोल रहे हैं हमें और टर्मिनल चाहिए क्योंकि ज़्यादा मैक्सिमम प्लेन्स कमिंग इन सही है ना तो ये पॉइंट भी हो गया तो न्यू टर्मिनल इस तरह आप दुबई की बात करें दोहा की बात करें ये सारे सिंगापुर की बात करें हीथ्रो थ्रो लंडन की बात करें कुछ बहुत ही ज़्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स हैं सही है ना तो देखिए ये वही है देर इज़ अ ट्रेड ऑफ़ बिटवीन इकानमी कि या तो मईत को चला लो या प्लेनेट को देख लो तो इनके बीच में कहीं ना कहीं अलाइनमेंट करना है पेज नंबर फाइव इज डन नाउ आई एम ऑन पेज नंबर स्टिल वी आर इन द इंडस्ट्री अभी हम उस बिजनेस में नहीं आए इस इंडस्ट्री के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होते हैं बड़े ईजी इन्होंने दिखाए कि अवेलेबल सीट किलोमीटर यह किस तरह कैलकुलेट होता है ए एस के इज कैलकुलेटेड बाई टेकिंग द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल कि उस जहाज़ में कितनी सीट अवेलेबल होती है मल्टीप्लाइंग बाय द डिस्टेंस फ्लोर इट इज़ अ मेजर ऑफ एयरलाइन कैपेसिटी कि भाई आपके पास जहाज कितने और उसमें कैपेसिटी कितनी है फिर रेवेन्यू पर अवेलेबल सीट किलोमीटर ईजी बात है लोड फैक्टर लोड फैक्टर कि भाई यूटिलाइजेशन कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ चेक टेन पैसेंजर कि आप कितना बिजनेस ले पाते हो फॉर एग्जांपल यू हैव एयरक्राफ्ट व्हिच हैज़ 250 पैसेंजर कैपेसिटी लेकिन पता चला कि आपके पास तो मार्केटिंग ही अच्छी नहीं है आपके तो स्लॉट्स ही खराब है आपके तो टाइमिंग इतने ख़राब हैं कि ढाई सौ में से हमेशा लेट से सौ लोग आके बैठते हैं तो इसका मतलब लोड फैक्टर वो यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं है इस तरह देन रेवेन्यू पैसेंजर पर किलो <coughs> रेवेन्यू पैसेंजर किलोमीटर कि जो पैसेंजर चेक इन हुए उन्होंने कितने किलोमीटर सफर किया क्योंकि असल तो पैसेंजर वही है ना तो दिस इज वन ऑफ द के पी आई देन सी ओ टू कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर पैसेंजर कितने पैसेंजर लेके उड़े एंड टोटल सी ओ टू इन्वायरमेंट को कितना नुकसान पहुंचाया तो पर पैसेंजर हाउ मच यू कॉन्ट्रीब्यूटिंग सही है ना देन ऑब्वियसली एयरलाइन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट इज द पंक्चुअलिटी और इन्होंने पंक्चुअलिटी के लिए लिखा है ना कि विद इन फिफ्टीन मिनट्स क्योंकि थोड़ा बहुत तो जहाज आगे पीछे होता ही है लेकिन विद इन फिफ्टीन मिनट्स आ जाते हो तो यू आर स्टिल इन द विंडो बट आफ्टर फिफ्टीन मिनट्स यू कंसिडर लेट सही ना आप हो गए अच्छा देन, अगे देन, अगे देन Is still industry पे बात हुई और आखरी बात ने लिखी कि इस पूरी industry airline industry के लिए there is a body the airline industry has a global trade association its role is to help formulate industry policy support airline activity it uh, promotes awareness of the benefits which the airline industry brings to national and global economies its role is also to develop global standards and all that see na ye body bana di अब इन्होंने पेज नंबर सिक्स से ही बात शुरू की अब ये नाउ टॉकिंग अबाउट है अभी तक इन्होंने आपको समझाया कि एयरलाइन होती क्या है उस बंदे को कि जिसको कुछ भी नहीं पता एयरलाइन के मुतालिक लो कॉस्ट बजट कुछ भी नेवर सही है ना अब ये बता रहा है कि हाँ भाई इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री दिस इज वन ऑफ द कंपनी टॉकिंग अबाउट कॉर जेट्स राइट कॉर जेट्स ओवर सही है ना अब ये अब इसके बारे में बताएंगे कि भाई ये बिजनेस कैसा है नाउ वी नॉट टॉक अबाउट इंडस्ट्री वी टॉकिंग अबाउट आर कंपनी ठीक है ना उसके बारे में बताएंगे कैसे ये स्टार्ट हुआ इसकी एज क्या है इसका साइज़ क्या है इसका रेवेन्यू क्या है एवरी थिंग सही है ना सब कुछ और मैंने अभी आपसे इनिशियली बात की कि आपको ये पूरा केस पता होना चाहिए एंड ये नहीं था कि जो अभी तक हमने पढ़ा वो बेकार था ज़ाहिर है वो इंडस्ट्री के मुतालिक भी तो आपसे पूछेगा ना द इंडस्ट्री एंड द बिजनेस सो नाउ वी टॉक अबाउट द बिजनेस कॉर जेट्स अब इसका बैकग्राउंड वो बता रहा है वो स्टेबलिश्ड इन कॉरलैंड we already discussed the country, joe usme. 20 years ago, by entrepreneur brothers, brothers, eric and axela, axel uh, Medicine. they both had worked for many years in the airline industry. dobhaite had a keen interest in traveling. with money inherited, ma se paise mil they acquired two second-hand aircraft. this is how they started. Say, na. दे started बाई ऑपरेटिंग फ्लाइट from नियर सिटीज आ रहे जब बिजनेस शुरू होता है तो ऑब्वियसली स्टार्ट फॉर्म यू नो स्लो थिंग्स शॉट हॉल फ्लाइट से उन्होंने शुरू किया लोकेटेड फोर्टी माइल्स फ्राम कॉरलैंड कैपिटल सिटी इन द साउथ ऑफ एक्स वेसाइड टू एयरपोर्ट लोकेटेड क्लोज टू ओके ये थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया यूज देर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द एयरलाइन इंडस्ट्री एरे कैन एक्सेल स्पॉटेड अ गैप अब इनको नजर आया कि यार लोग इतनी महंगी टिकटेंट लेते हैं हाउ अबाउट देर इज़ ए स्ट्रैटेजिक स्पेस एक गैप नजर आ रहा है क्यों ना हम उन लोगों को टारगेट करें और वो गैप क्या था कि फॉर मोर कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल लो कॉस्ट एयर ट्रैवल सही ना वो इनको नजर आया अच्छा जी अप टू दैट पॉइंट कॉरलैंड एयरलाइन इंडस्ट्री वॉज डोमिनेटेड बाई फुल सर्विस कैरियर वी ऑलरेडी डिस्कस कि इनसे पहले कोई लो कॉस्ट एयरलाइन थी नहीं यानी इस पूरी इस पूरे खत्ते में सही है ना यही इसने बात की ना कॉर्लैंड एयरलाइन इंडस्ट्री यानी उस मुल्क में ऐसी कोई नहीं थी तो अब ये जो है थे ना यानी फर्स्ट मूवर एडवांटेज वाले लोग द लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल इन द कॉर्डलैंड एयरलाइन इंडस्ट्री प्रूवड एक्सट्रीमली पॉपुलर ऑब्वियसली पीपल वन टूवर्ड्स यू विद एयर पैसेंजर हु लाइक द कन्वीनियंस ऑफ कॉरजेट्स पॉइंट टू पॉइंट सर्विस डिस्कस्ड ऑलरेडी एंड द सिग्नीफिकेंटली चीपर टिकेट सर्विस पैसे भी कम दे रहे हो पैसे भी कम मांग रहे हो एंड ऑब्वियसली यू आर डूइंग पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट ए पॉइंट बी डायरेक्ट डेस्टिनेशन पर पहुंचा रहे हो नो कनेक्टिंग फ्लाइट डायरेक्ट पहुंचा रहे हो शॉर्ट तो और लोगों को क्या चाहिए ओवर द ईयर कॉर्ज हैज फोकस्ड ऑन ऑपरेटिंग फ्लाइट्स टू एंड फ्रॉम एयरपोर्ट अकास्ट ओन विद द हाइस्ट कस्टमर डिमांड एंड यानी

अब आप खुद हैरान होंगे कि यार डेलस से वेगस कभी कभार ऐसा भी टाइम चल रहा होता है बहुत ही कम थर्टी डॉलर फोर्टी डॉलर में दिस हैजीन डिलवर्ड थ्रू डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप विद एयरक्राफ्ट क्राफ्ट मैनुफैक्चरर्स की एयरपोर्ट्स ग्राउंड हैंडलिंग सबके साथ आपको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करने होते हैं सो दैट यू गो टू वर्ड्स इकॉनमीज ऑफ स्केल कॉर्जेट्स ओन एयरक्राफ्ट एंड बाय ऑपरेटिंग द लेटेस्ट मोस्ट एंड मोस्ट एफिशेंट एयरक्राफ्ट इसके बाद एयरक्राफ्ट भी अच्छे हैं ओवर द ट्वेंटी लास्ट ट्वेंटी ईयर्स द लो कॉस्ट मॉडल ऑफ एयर ट्रेवल एज कंटिन्यू

एरिक एंड एक्सल जो दोनों भाई थे दे बोथ रिटायर्ड फ्रॉम बिजनेस दस साल पहले रिटायर्ड हो गए और अहर बिजनेस अपनी जगह चल रहा है उसकी ग्रोथ दिखा दी पैसेंजर दिखा दिए आप लाइन देख रहे हैं किस तरह जा रही है अपवर्ड ई सही है ना इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर एंड राउट्स दोनों में डेस्टिनेशन में अब इन्होंने ओनरशिप के बारे में बताया कि कॉर्जेड वो लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट कब नाइन ईयर्स अगो यानी बीस साल कंपनी को बने हुए हो गए हैं दस साल पहले ये दोनों भाई रिटायर्ड हो चुके हैं और नौ साल पहले ये लिस्टेड हुई यानी इनके रिटायरमेंट के बाद ये कंपनी लिस्टेड हुई है यानी इन्होंने शेयर होल्डिंग मार्केट में दी ठीक है ना The brothers originally retained a thirty-five percent share in the business when it was first listed, but since then they have sold most of their shareholding in core jets and they no longer play any role in running the business. Yani, करंटली एटी परसेंट ऑफ द कॉर्जेट्स यानी अब करंट आप देखें एक्जिस्टिंग क्या है कोई डोमिनेशन नहीं है भाइयों की ये बात दिमाग में रखने वाली होगी आगे जब आपके स्टडी सॉल्व करेंगे करंटली एटी परसेंट ऑफ कॉर्ज शेयर्स आर हेल्ड बाय लार्ज इंस्टीट्यूनल इन्वेस्टर्स यू गाईज अंडरस्टैंड टेन परसेंट ऑफ शेयर आर हेल्ड बाय कॉर्जेट्स एम्प्लॉइज एंड द रिमेनिंग शेयर्स आर हेल्ड बाय स्माल प्राइवेट इन्वेस्टर छोटे मोटे इन्वेस्टर्स के पास से अच्छा उसके बाद क्या है ये लेडी के बारे में लिखा मैगडा फिस्क इज द करंट सी ऑफ कॉर्जेट्स एंड हैज बीन इन प्लेस फॉर टेन ईयर्स शी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन अचीविंग सही है ओके okay. अच्छा कॉर्जेट्स के की रिसोर्सेस क्या है यानी उसकी स्ट्रेंथ क्या है उसके राउट्स सबसे पहले लिखा उसकी स्ट्रेंथ हर एक एयरलाइन के लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये होती है ना कि उसके राइट्स राउट्स uh, कि यार मैं अगर इस वक्त एमेरेट्स को बुक करूँगा तो मैं क्या देखूँगा कि यार एमेरेट्स क्या मुझे ऑस्ट्रेलिया ले जाएगी यहाँ ले जाएगी मेलबर्न ले जाएगी उसमें सिडनी ले जाएगी हाँ यहाँ भी ले जाएगी uh, टेम्पा ले जाएगी इधर ले जाएगी यूएस की साइड पर ले जाएगी सारी हर तरफ यानी पता चला वॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द राउट दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ एयरलाइन कि यार इसके राउट कहाँ कहाँ होते हैं तो इसी कॉरजेट्स का भी सबसे अहम रिसोर्स उसके क्या उसके राउट्स हैं और हैज़ अ प्रॉफिटेबल अच्छा राउट भी प्रॉफिटेबल होना चाहिए ऐसे नहीं कि खाली मैंने ज़िंदगी में ऐसे भी सफ़र किया कि पूरा जहाज़ ख़ाली और वो भी ए जैसा मुझे अभी भी एक राउट याद है आज से कोई सात आठ साल पुरानी बात है मैं कराची से सिंगापुर ट्रैवल किया था और वी टू कतर एयरवेज़ और कतर एयरवेज़ मुझे हमेशा से पसंद है और मुझे पता है जब वो दोहा से कोई आठ नौ घंटे की फ़्लाइट थी शायद और उसमें हमारी फैमिली के अलावा कोई भी नहीं था पूरी पूरे कराची से कतर भी खाली गई और कत पता नहीं क्या वजह थी और लग्जरीस यानी ऐसा लगेगा मैंने पूरा ए थ्री फिफ्टी बुक किया हुआ है तो ऐसा था हर एक एक बंदे को वो एयर हॉस्टल एक मिली हुई थी और वो सब करी थी तो राउट का मतलब ये नहीं है कि खाली राउट जा रहे हैं राउट प्रॉफिटेबल भी होने चाहिए भरे हुए होने चाहिए वो जो बसेस चलती है ना भरी भी बसेस जानी चाहिए तो ये वो भरे हुए जाने चाहिए एयर बसेस तो प्रॉफिटेबल एंड एक्सटर्न पोर्टफोलियो वीच ऑपरेट टू एंड फ्रॉम ओवर वन थर्टी एयरपोर्ट्स अकॉर्स सूनिया दिस मेक्स इट वेरी पॉपुलर विद कस्टमर who फाइंड द रेंज जहाँ जाना है हर हर चीज मिलेगी फाइंड द रेंज ऑफ डेस्टिनेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लाइट फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लाइट ऑफर्ड बाय कॉर्जर वेरी कन्वीनियंट एंड अट्रैक्टिव मैनेज अभी शुरू में बात की थी स्लॉट्स के ऐसे स्लॉट मिल रहे हैं कि सुबह के भी मिल रहे हैं शाम के भी मिल रहे हैं रात के भी मिल रहे हैं इट रेगुलरली रिव्यूज इट्स route नेटवर्क टू exploit द ओके एवर दूसरी इसकी जो अहम रिसोर्स है वो क्या है उसके फ्लीट उसके जहाज वो कैसे हैं? कॉर्जेट्स ऑपरेट अ मॉडर्न फ्लीट ऑफ 300 एयरक्राफ्ट ऑफ सेवेंटी 75 परसेंट आर ओन आउट राइट नो लाइबिलिटी एंड द रिमेनिंग टी फाइव परसेंट आर लीस अच्छा आप इस बात को समझ लें ये एयरलाइंस में बड़ा नॉर्मल होता है लीज लीज का मतलब क्या है ये मैं आपको गाड़ियों पर भी समझा दूँ या यूएस में आप लोग शायद लीज उधर पाकिस्तान में लीज का मतलब कुछ और समझते हैं उसको फाइनेंस लीज समझते हैं लेकिन मैं यहां आपको बताऊँ यू एस में जैसे अगर मैं गाड़ी लेने जाऊँगा तो मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं इधर एक ऑप्शन होता है जिसको मैं कहता हूँ ओन करना फाइनेंसिंग किस्तों पर ही गाड़ी लेनी हो लेकिन वो गाड़ी को मैं ओन करूंगा जिसको आप लोग कहते हो फाइनेंस लीज सही है ना आप लोग अकाउंटिंग के बच्चे कि मैं क्या करूंगा एक डाउन पेमेंट दूंगा और हर महीने किस्तें देता रहूंगा और वो गाड़ी एक्चुअली मेरी हो जाएगी छह साल में इसको तो हम कहते हैं ना कि बाय करना लेकिन यहां लीज का मतलब वो नहीं है इसका मतलब है ऑपरेटिंग लीज यहां पर लोग गाड़ियां इस तरह लेते हैं एक बहुत बड़ा तबका इस तरह गाड़ी लेता है कि गाड़ी आप लेते हो डाउन पेमेंट डालते हो आपको गाड़ी दे देते हैं हर महीने इसके भी पैसे देने होते हैं लेकिन तीन साल बाद आपको गाड़ी रिटर्न कर देनी होती है और उसके माइलेज उसने बताए हुए होते हैं कि तुम एक साल में इतने माइलेज चलाओगे दूसरे साल इतने चलाओगे तीसरे साल इतने चलाओगे अगर ज्यादा चलाओगे उसके पैसे और लेंगे यानी कुछ लोग जिनको हर तीन साल में गाड़ी चेंज करनी है तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि लीज पे गाड़ी लो हर तीन साल में नई गाड़ी आ जाएगी जो गाड़ी का दिल करता है इसको कहते हैं लीज इसने क्या किया हुआ इसने भी जहाज लीज किए हुए ट्वेंटी फाइव परसेंट ना लीज लीजिंग इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग इन द एयरलाइन इंडस्ट्री लेकिन इसने इसके लिए आगे लिखा वैसे फाइनेंसिंग है हाँ तो ओन आउटराइट हम इसको फाइनेंस लीज़ ले लेते हैं ठीक है ना अच्छा अब यहाँ पर मैं जहाज़ों में एक बात और बताऊँ जो इसने नहीं लिखी लेकिन मैं आपको बताऊँ लीज भी दो किस्म की होती है जहाज़ों में एक कहलाती है ड्राई लीज़ इन्होंने इसके लिए टर्म यूज़ नहीं लेकिन आप अगर चाहो तो आप एग्जामिनेशन में यूज़ कर सकते हो इट्स अ तो टेक्निकल टर्म जैसे शॉर्ट हॉल और लॉन्ग हॉल एक होती है ये ये एयरलाइन की टर्म है ड्राई लीज़ एंड वेट लीज़ वेट लीज़ वो होती है जैसे मिसाल के तौर पर आप एक एयरलाइन खोलें आपने कहा यार मेरे पास जहाज़ है नहीं मुझे लीज करने जहाज़ या मुझे रेंट करने जहाज़ सही है ना इस तरह ऑपरेटिंग लीज की तरफ जाना है तो एक ऑप्शन ये होता है कि आपने सिंगापुर एयरलाइन से बात की और उसको बोला यार तुम मुझे अपना जहाज़ भी दे दे और अपना क्रू मेंबर्स भी दे दे सारे बंदे बंदे सब मुझे दे दे उस जहाज़ में वो जो खूबसूरत लड़कियाँ वो वो भी अब तुम्हारी हो सही है ना तो तुम ही इसको मेंटेन करोगे ऑपरेट करोगे सब कुछ करोगे ओनली आई एम द ब्रांड नेम मैं टिकट बेचूंगा और ये सारे काम मैं करूंगा यस ऑब्वियसली आई ओन दैट एयरलाइन एंड बिजनेस इसको कहते हैं वेट लीज एक होती है ड्राई लीज ड्राई लीज में आप उसको क्या बोलते हो आई जस्ट नीड योर एयरक्राफ्ट कि मुझे अपना एयरक्राफ्ट दे दो एयरलाइन और बाकी बंदे वगैरह सब कुछ मेरे अपने ही होंगे इसको ड्राई लीज कहते हैं ये एयरलाइन में बड़ा नॉर्मल होता है ड्राई एंड वेट लीज का कॉन्सेप्ट लेकिन इसने जो लीज वाली बात की है <coughs> वो फाइनेंसिंग वाली लग रही है सही ना खैर एनीवेज वेज कॉरजेट्स हैज़ इन्वेस्टेड सिग्निफिकेंटली इन द लेटेस्ट एयरक्राफ्ट लेटेस्ट एयरक्राफ्ट मैंने आपको बताया सी ओ टू एमिशन कम होता है एफिशिएंट होते हैं ये लिखा ना विच आर मोर फ्यूल एफिशिएंट इन्वायरमेंटली फ्रेंडली दिस हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू इट्स लो कॉस्ट ट्रेटेजिक पोजिशन विच इज ऑल्सो पॉजिटिवली इंपैक्टेड ऑन रेड्यूसिंग CO2 टू एमिशन कॉरजेट्स एवरेज एयरक्राफ्ट इज साढ़े चार साल फोर एंड हाफ ईयर विच इज लो कंपेयर टू द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड और जस्ट बिकॉज ऑन लेजर प्लेज़र रादर दैन ऑन बिजनेस पैसेंजर देयर फॉर इट्स एयरक्राफ्ट केबिन कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमी क्लास सीट ओनली विदिटी ले आउट दिस गिवे ये वाली बात कि इसके पास जो सीट्स हैं वो वन फिफ्टी हैं कंपेयर टू तो जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके पास वो जहाज हैं जिसमें वन फोर्टी सीट मैंने अभी आपको शुरू में ही बताया कि भाई ऐसी सीटें ये लोग लगाते हैं कि जिससे ज्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पैसेंजर यू कैन गेट इट यू गेट more revenue and it's environmental friendly also. This higher seat density allow courses offer obviously lower ticket. तो so, ये price में भी तो ज्यादा competitive हो जाएगा ना जब ये एक ही bus में डेढ़ सौ बंदा भर रहा है तो ये price भी अच्छी देगा अच्छा फिर उसके बाद जो बात है वो technology. अच्छा मैं यहाँ पर आपको बताऊँ अपना खुद experience भी share करूँ कुछ aircraft ऐसे होते हैं budget airline में they have no wifi. कुछ तो ऐसे होते हैं ना जो wifi होता है and they obviously they sell it तो कस्टमर चाहता है कि सही यार मैं दो डॉलर में वाईफाई ले लूँगा छोटी सी फ्लाइट है दो डॉलर इधर मिलता है इस तरह बड़ी फ्लाइट होती है सोलह अठारह घंटे की मैंने कतर में लिया दस डॉलर का मिल जाता है वाई तो वाई लेना अच्छा हो जाता है कभी कभार कभी कभार ऐसा होता है जैसे मैंने अभी कहा कि दो ढाई घंटे यू कैन लिव विदाउट फूड ना मैंने अभी आपको बताया ना कि बगैर फूड के मैं रह सकता हूँ और ज़रा बगैर वाईफाई के भी रह सकते हो तो कुछ जहाज़ों में ऑप्शन ही नहीं होता जैसे मैं आजकल बहुत दफ़ा सफ़र किया मैंने फ्रंटियर एयरलाइन में यूएस में ऑप्शन ही नहीं होता नो मैटर यू गिव देम टू हंड्रेड डॉलर दे हैव नो वाईफाई उनके पास वाला सिस्टम ही नहीं है तो अब क्या होता है ऐसी एयरलाइन को कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं मैं कर लेता हूं, लेकिन कई दफ़ा बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है मिसाल के तौर पे कई दफ़ा जैसे एक दो दफ़ा मुझे याद है कि मुझे बकायदा वो एयरलाइन लेनी पड़ी जिसमें वाईफाई था क्योंकि मैं मुझे कनेक्टिविटी चाहिए थी नो मैटर दैट्स फॉर थ्री आवर्स लेकिन मुझे चाहिए थी क्योंकि मेरी कुछ ऐसी मीटिंग्स और ऐसा मैं कनेक्ट था लोगों से कि मैं किसी भी टाइम डिसकनेक्ट नहीं हो सकता था तो ये वाला पॉइंट ये एक बड़ा अहम पॉइंट है कि कस्टमर क्या चाहता है कभी कभार कस्टमर ये चाहते हैं कि सही है हम कर लेंगे सफ़र लेकिन सम टाइम दे वॉन्ट वाई एट एनी कॉस्ट स्पेशली वेन यू टॉक अबाउट बिजनेस क्लास अच्छा जी टेक्नोलॉजी ये इसकी एक और रिसोर्स कॉर्जेट्स अप्लाइज डेटा एनालिटिक्स एक्सटेंसिवली थ्रू आउट इट बिजनेस एंड कंसिडर डेटा टू बी अ की बिजनेस रिसोर्स ये तो एस बी एल का अहम टॉपिक है इट हैज़ ऑलवेज बीन एन

इवन आपके जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं उसके अंदर करेंसी होती है उनकी जैसे कतर की करेंसी है एवियोस कतर की तो वैसे करेंसी वो दिरम है ना कतरी दिनार है क्या है लेकिन कतर की जो वो जो एयरलाइन ने अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स लिखे हैं उसको वो एवियोस और क्यू पॉइंट्स कहते हैं उससे आप पता क्या कर सकते हो बाकायदा बैगेज खरीद सकते हो आपके जितने माइलेज सफ़र करोगे वो सारे एवियोस उस ऐप में आ रहे होते हैं इस तरह मैं कतर एयरपोर्ट पे उतरता हूँ तो मुझे चॉकलेट्स लेनी होती है तो मैं उससे बाय कर सकता हूँ उन रिवॉर्ड पॉइंट से तो ये मोबाइल ऐप जो होती है ना बहुत सारे काम करके दे रही होती है वो चलाओ पैसेंजर टू बुक फ्लाइट चेक इन फॉर फ्लाइट डाउनलोड बोर्डिंग प्रासेस देखो सारे काम कर रहे हैं रियल टाइम आपको स्टेटस दे रहे होते तो कभी डिले हो रही है फ्लाइट दे विल गिव यू यू नो हेड्स अप आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी द ऐप सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इशू इस ऐप से कितना पेपर वर्क बच रहा है बहुत सारी चीज़ें बचा ली ना इसने इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड ऑल दैट सही है ना इन मोस्ट एयरपोर्ट कॉर्जेट्स ऑपरेट फुली ऑटोमेटेड बैगेज चेक इन मशीन्स मैं भी शुरू में आपसे बात कर चुका हूँ कि एयरपोर्ट पर जिस तरह हम कराची एयरपोर्ट पर जाते हैं तो लोग खड़े होते हैं ना जिनको हम बैगेज अपना देते हैं एयरपोर्ट्स पर बाकायदा वो व्यस्क बने हुए हैं और उसी में सारा काम हो जाता है तो ये भी एक ऑटोमेशन है कुछ एयरलाइंस ऐसे की बनाए होते हैं वो खुद ही सेल्फ सारा काम कर देते हैं ऑल एयरक्राफ्ट आर फिटेड विद इलेक्ट्रॉनिक टच पैड्स फॉर द क्रू एंड फॉर द पायलट्स यानी उनको भी इन्होंने लैपटॉप्स और ये सब दिए हुए वो पूरी पूरी फाइलें उनको ले जाने की जरूरत नहीं और रीड करने की तो दिस वे दे रिड्यूस सी एंड टू एवरी ठीक है ना इसी तरह ऑल कॉर्जर्स एयरक्राफ्ट आर फिटेड विद बिग डेटा सर्विस टू कलेक्ट ऑब्वियसली इंफॉमेशन तो ये कलेक्ट कर ही रहे हैं कि भाई वेदर कैसा होता है फ्लाइट के इंजन परफॉर्मेंस क्या है सारी चीज़ें और इवन कस्टमर का डेटा भी corgette continuously searches new technologies and all that that's opportunity and the third last resource is the people पीपल में उसने क्या लिखा कि दे हैव एम्प्लॉय नियरली 11,800 स्टाफ इंक्लूडिंग ओवर 2,000 थाउजेंड पायलट्स सिक्सटी फाइव केबिन क्रू द रिमेनिंग स्टाफ फुलफिल नंबर ऑफ रोल्स इंक्लूडिंग यू नो स्टाफ ऑपरेटिंग एट एयरपोर्ट हेड ऑफिस फाइनेंस आई टी बहारे बहुत सारे काम हैं सब के लिए न्यूज़ लेटर भी ये बनाते हैं इन्होंने सब लिखा ऑल एम्प्लॉयज़ रिसीव रेगुलर एंड स्केजुअल मैनेजीरियल अप्रेजल फॉर द परफॉर्मेंस उनकी सैलरीज वगैरह ये सारी चीज़ें बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस अप्रेजल ये सारी चीज़ें सिंपल थिंग नाउ देन कम्स द बोर्ड स्ट्रक्चर इदारे का बोर्ड कैसा है मल्टाइटियर बोर्ड है यूनिटी बोर्ड है क्या हैल्ड इन कॉर्पोरेट गवर्नेस इनके पास क्या नजर आ रहा है डायरेक्टर्स एंड फाइव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स यू अंडस्टैंड इंक्लूडिंग द चेयर यानी जो चेयर है वो नॉन एक्जीक्यूटिव देखिए नजर आ रहे हैं आपको नॉन एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पांच नजर आ रहे हैं एक तो चेयरमैन हो गए और बाकी चार डायरेक्टर्स हो गए तो पांच नॉन एग्जीक्यूटिव हो गए उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑब्वियसली एम जो होता है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है एंड रिमेनिंग वो जो डे टू डे फंक्शन में इन्वॉल्व है चीफ पीपल ऑफिसर मार्केटिंग ऑफिसर एंड ऑल दैट तो ये इन्होंने एक बोर्ड का स्ट्रक्चर बता दिया एंड देन नॉट ओनली दे हैव द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बट देर आर फोर सब कमेटीज़ जिसको हम बोर्ड कमेटीज़ कहते हैं ऑडिट कमेटी ऑल वी हैव डिस्कस्ड इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉमिनेशन कमेटी रेमिनोरेशन कमेटी एंड सेफ्टी कमेटी दाहर एयरलाइन की बात हो रही है तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी नहीं है लेकिन सेफ्टी कमेटी है अच्छा <coughs> बात uh, एयरलाइन में तो रिस्क मैं आपको एक एग्जाम्पल uh, दूँ uh, जब बोर्ड की बात आई है आई थिंक इट वॉज़ अमेरिकन एयरलाइन या यूनाइटेड एयरलाइन दोनों यू एस की हैं इन दोनों में से एक एयरलाइन है कि जब वो अपनी बोर्ड मीटिंग करते हैं ना बिकॉज इट्स एन एयरलाइन जब वो अपनी बोर्ड मीटिंग करते हैं तो वो बोर्ड मीटिंग जब भी बोर्ड मीटिंग शुरू करते हैं तो फर्स्ट दे एक्सप्लेन टू ऑल द डायरेक्टर्स दैट वेर आर द यू नो एमरजेंसी एग्जिट्स फायर एक्सटिंग्विशर विजर कहाँ लगे हुए एमरजेंसी एग्जिट क्या है अरे यार बोर्ड मीटिंग बोर्ड रूम में तो हमेशा आके बैठते हैं बोला नहीं दिस दे टॉक अबाउट देयर कल्चर दे टॉक अबाउट देयर कल्चर ऑफ सेफ्टी कि भाई हम जहाज़ उड़ाते हैं हमारी हमारी एयरलाइन कंपनी है तो हमें हर वक्त सेफ्टी पे बात करनी है हर वक्त पंक्चुअलिटी पे बात करनी है तो दे आर ऑलवेज ऑलवेज़ रेगुलर एंड स्पेशली वेन एवर दे कम दे टॉक अबाउट एग्जिट के भाई अभी हम बोर्ड रूम में बैठे हैं बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं लेकिन देखो यहाँ से अगर भागना है उधर आग लगेगी तो इधर भागना है ये बटन दबाना है एवरी टाइम दे एक्सप्लेट दिस वे दे शो देर कल्चर यानी रिमाइंड करातेफ्टी नाउ न ऑफ दी हॉट एरिया ऑफ यू नो ऑफ ए सी सी एस पी एल एग्जामिनर रिस्क ऑलवेज मैं नेक्स्ट मीटिंग में बात तो करूंगा सारे के प्रोजेक्टेड रिक्वायरमेंट क्या होंगी आज तो हम यह समझ लें रिस्क मैनेजमेंट एंड की रिस्क कॉर्जेट हैजिटेल्ड रिस्क रजिस्टर एंड एम इंटरप्राइज मैनेजमेंट सिस्टम फ्रेमवर्क इन प्लेस the board takes responsibility for determining the nature and extent of the risk it is willing to take to achieve its strategic ob objective of course they have to take the risk to get the returns it also, in it also it is also responsible for maintaining and monitoring the system of internal control and risk management risk management activities are coordinated with all these things now the, what are the key risks they have the first key risk they are facing

विधर तो अरे यार वेदर चेंज हो गया मुझे पता होता है अब ये फ्लाइट डाइवर्ट कर देंगे और डाइवर्ट कर देते हैं कभी सैन एंटोनियो ले जाते हैं करीब में कभी ऑस्टिन ले जाते हैं यहाँ से करीब में यानी एकदम वेदर चेंज होता है तो क्लाइमेट चेंज जो है ना इट्स अ बिग चैलेंज सही है ना ये इनकी कॉस्ट को भी बढ़ा रहा है सेफ्टी का भी इशू है इसमें बहुत सारे मसल इसके साथ खड़े हो रहे हैं एटीसी वगैरह सबके लिए मैक्रो इन्वायरमेंट एंड जियो पोलिटिकल इवेंट्स सच एज जनरल इकोनॉमिक ट्रेंड्स फॉरन एक्सचेंज रेट्स वोटाइल फ्यूल पॉलिसी इम्पैक्ट जियो पोलिटिकल इशूज़ आपके सामने हैं यूक्रेन वॉर सही है ना वो सारे इश्यूज कि भाई सारी फ्लाइट इधर उधर की कैंसिल होंगी फिर बारह इन्फ्लेशन है फॉरेक्स रेट्स हैं ये सारी चीज़ें जैसे अगर आप डॉलर और पी को ही देख लें कि वो कितना ऊपर चला गया तो उस चक्कर में क्या हो गया अल्टीमेटली वो अट्रैक्टिव नहीं रहा कस्टमर्स की डिमांड कम हो जाती है कि क्या करें भाई इतनी महंगी डॉलर तो अपनी जगह ही मौजूद है लेकिन वंस अगेन यूएस में अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गई है तो ऑब्वियसली क्या करें कस्टमर्स हैं उनके लिए वो प्राइस जो है वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं है तो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर ऑबियसली एंड द अवेलेबिलिटी सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ इट्स वेबसाइट एंड इट्स क्रूशल बिजनेस ऑपरेटिंग सिस्टम यानी जो ऑपरेशन हैं उसको भी ज़्यादा सस्टेनेबल चलाना दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट द डेटा इंफॉमेशन आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है कस्टमर्स की भी और स्टाफ की और फिर कस्टमर की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है बहुत सारी चीज़ें सो मेनी थिंग्स जिस पर रहे डेटा प्रोटेक्शन एक्ट एंड ऑल दिस थिंग्स अप्लाई तो वो भी एक द अवेलेबिलिटी सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ इट्स वेबसाइट कि जो उसका इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो उसके सेलिंग टूल्स हैं उसका भी सस्टेन करना वो भी एक वन ऑफ द बिग रिस्क देन आई एम ऑन नंबर टेन नंबर टेन में उन्होंने इसकी वेबसाइट दिखा दी है कि भाई ये वेबसाइट कैसी है इसकी इस कंपनी की तो वेबसाइट कैसी है कि भाई व्हाट वी डू हम करते क्या हैं वी कंसिस्टेंटली डिलीवर्ड लो यानी वेबसाइट का होता क्या है नॉर्मली एयरलाइन की मिशन स्टेटमेंट द वैल्यूज उसके पिक्चर्स उसका लोगो ऑन ऑल दीज थिंग्स तो कॉर्जेड वेबसाइट का ये एक्सट्रैक्ट है इट्स नॉट द कम्प्लीट वेबसाइट बट इट्स जस्ट

आई डोंट वॉन्ट टू रीड आप लोग देख रहे हैं वो सारे कि कमिटेड टू सेफ्टी हम क्या क्या करते हैं बिल्डिंग कस्टमर ट्रस्ट हाउ वी डू इट ड्राइव इनोवेशन एंड पुटिंग पीपल फर्स्ट आर एम्प्लॉयज एंड ऑल सस्टेनेबल बिहेवियर हाँ लाइक हाउ वी आर गुड एंड ग्रेट बिजनेस राइट दिस इज नंबर टेन एंड देन कम्स नंबर एलेवन ये इनके फाइनेंशियल्स हेडलाइन रिजल्ट एंड कॉस्ट ब्रेकडाउन प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2008 से टू तक फिर कैसा था ट्वेल्थ तक एंड देन रेवेन्यू कैसा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पंक्चुअलिटी कस्टमर सेटिस्फैक्शन कॉस्ट ब्रेक डाउन एनी वेज सो वेरी इंटरेस्टिंग और मैं आपको बता रहा हूँ ये ऐसा ही एस बी एल के अगर इफ यू लुक एट द पास्ट ऑब्वियसली यू हैव टू डू वट Uh, क्या कहेंगे प्रैक्टिस तो आपको करनी है ना क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू हैव दिस प्री सीन लेकिन अगर आप प्रैक्टिस की बात करोगे तो वेर यू गो ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी वन पेपर्स ट्वेंटी 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 नाइनटीन सब में आपको ऐसे ही पेपर मिलेंगे कभी होटल इंडस्ट्री का मिलेगा कभी एयरलाइन का मिल रहा है कभी वो उन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का बनाया एक दफ़ा इन्होंने चॉकलेट का बनाया एक दफ़ा आई टी ऐसा ही पेपर होगा ये पूरा पेपर आपको मिलता था तभी दे दे दूस टू तो गिव यू फोर आवर्स सही ना फोर आवर्स फिफ्टीन मिनट्स था अब इन्होंने टाइम क्यों कम कर दिया थोड़ा सा लेकिन आपको माल बहुत सारा दे दिया है ना यू हैव लॉड ऑफ लॉड ऑफ इंफॉर्मेशन हमने कितनी सारी बातें इसमें देखी है ना अब आप अगर देखें अब ज़ाहिर है आप इसको एक दफ़ा नहीं एक दफा तो मेरे साथ आपने सुना और ज़ाहिर है इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें भी डिस्कस की कोई टेक्निकल पॉइंट्स ही सारे लेकिन अब आप इसको जब खुद रीड करोगे मे बी वन टाइम टू टाइम थ्री टाइम फोर टाइम फाइव टाइम वट एवर यू वॉन्ट सही है ना इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन लेकिन मैं चाहता हूँ आप इसको ऐसे करके एज इफ यू नो योर ओन बिजनेस योर ओन शॉप एंड यूर ओन फैमिली क्योंकि उधर जाके इस सब चीजों पे आपको टाइम नहीं लगाना एग्जामिनेशन में उसके बाद वो आपको देगा कुछ और इंफॉर्मेशन यानी ये इसकी फर्स्ट एपिसोड है लेकिन अब इसकी एक और छोटी एपिसोड रहती है जिसके अंदर ऑब्वियसली देर आर रिक्वायरमेंट्स उधर से गेम शुरू होगी जब ये पूरा बैक ऑफ द माइंड आपके पास रेडी होगा सब कुछ आपको पता होगा क्या है यार इसके एयरलाइन कैसे एयरक्राफ्ट इसके कैसे हैं इसने लीजिंग कितनी की हुई है ये लो कॉस्ट है ये रीजनल एयरलाइन है इसके सामने कंपटीशन कैसा है पूरी ओवरऑल इंडस्ट्री के क्या इस वक्त हालात हैं ग्रोथ पे क्या इसकी स्ट्रेंथ क्या इसकी वीकनेसेस क्या है इसको क्या रिस्क फेस करना है इसका बोर्ड स्ट्रक्चर कैसा है इसके इंप्लाइज कैसे हैं मैनेजरियल ऑपरेशन एंड ऑल दैट सब कुछ आपके दिमाग में होगा तभी मैंने आपको बोला ना कि यूरोप को दिमाग में रखें एक बजट एयरलाइन को दिमाग में रखें कि एक बजट एयरलाइन के क्या फीचर्स होते हैं किस किस्म की पेनल्टीज लगा रही होती है किस तरीके से आप कभी बुक करके देखें ऐप से टिकट आपको बुक करने की या वेबसाइट पर इनकी चले जाएँ स्प्रिट एयरलाइन की जाकर ऐसे ही देखें स्प्रिट है ना यहाँ की बड़ी मशहूर एयरलाइन है यू की जैसे आप टिकट बुक करोगे ना आपको इतनी चीज़ें बेचने की कोशिश करेगा डू यू वॉन्ट इंश्योरेंस यानी इफ़ योर फ्लाइट इज़ कैंसल्ड वट विल यू डू वो आपको फौरन डराएगा चलो इंश्योरेंस ले लो जस्ट गिव अस ट्वेंटी डॉलर एंड योर होल ट्रिप इज इंश्योर्ड आपसे मांगेगा ट्वेंटी डॉलर आप बोलोगे नो no, नो no. मेरी तरह का बंदा होगा बोलेगा चोट एंड स्किप कर देगा फिर बोलेगा डू यू वॉन्ट अ कंफर्टेबल सीट इसके पैसे अलग आगे एक सीट रखी होती है कंफर्टेबल भी इसी तरह का भी वो बोलेगा जहाज में चढ़ने के यहाँ पर तो फ्री सिटिंग होती है ना कि जहाँ मर्जी बैठ जाऊँ कुछ एयरलाइन ऐसी जैसे साउथ वेस्ट वगैरह भी होती है भाई फ्री सिटिंग है कि आप एक दफ़ा चढ़ गए तो वो पैसे ज़्यादा लेते हैं इस बात के कि हम तुम्हें जहाज़ में पहले चढ़ने देंगे और पहले उतरने देंगे तो जब आपको पहले चढ़ने देंगे तो आप सबसे पहली सीट पर जाके बैठ जाओगे ना तो जब पहले चढ़ोगे तो उतरोगे भी पहले तो इसका मतलब कुछ ना कुछ करके दे ट्राई टू सेल इट दिस हाउ दे वर्क दे ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड दे ट्राई टू इंक्रीज द रेवेन्यू, तभी तो चलेगा तीस डॉलर वाला टिकट चालीस डॉलर वाला टिकट पचास डॉलर वाला टिकट तभी चलेगा जब दे ट्राई टू सेल अदर स्टफ, खाना बेचेंगे पानी बेचेंगे वाईफाई बेचेंगे आपको पैदल चलवा लेंगे हाँ आपको आगे की टिकट सीट बेच देंगे आपको बोलेंगे विंडो सीट चाहिए आपको आगे बट वाई कुछ भी करके दे हैव टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू दिस हाउ दे वर्क सही है ना प्रिंट करवाना बोर्डिंग पास चल भाई पैसे निकालो हर बात के पास तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में देखिए ना विद दिस के स्टडी ये सब आपके दिमाग में आ गया एक दफ़ा एंड ऑब्वियसली यू विल बी रीडिंग अच्छा अब उसके बाद हम नेक्स्ट मीटिंग में ये करते हैं अब ज़रा ये मैंने होमवर्क अपना करके रखा था जरा मैंने पढ़ के रखा था ना और कुछ पॉइंट लिख के रखे थे अब मुझे इसको फिर से सोचना है अब मैं इसको किस एंगल से सोचूंगा लाइक एन एग्जामिनर मैं उसको एग्जामिनर की तरफ सोचूँगा कि यार इसके अंदर एग्जामिनर अब रिक्वायरमेंट क्या दे सकता है अब मुझे बहुत सारी चीज़ें सोचनी है सही है ना बहुत सारे मुझे है ना आँखें आँखें बंद करके तो नहीं बट रीज़नेबली और मैंने आपसे कहा ना कि बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस बेस्ड एज यानी आई हैव टू गिव माई एक्सपर्ट ओपिनियन नॉट एप्सलूड एश्योरेंस बट रीजनेबली कि मुझे सोचना है कि यार इस तरह अगर खेलेगा तो फिर क्या होगा ये ऐसी रिक्वायरमेंट बना देगा क्या होगा तो दैट क्लास वुड बी मोर इंटरेस्टिंग टू स्टेट और अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड यू हैव अ गुड नाइट फ्रॉम हेर थैंक यू